यस एक मिनट, यस 140, यस। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144। तो 144 का आंसर क्या आएगा, सी इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपको पता है कैपेसिटर है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे 143। हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल आयरन में किसका बना होता है, तो बताएं हीटिंग एलिमेंट ब्रास, आयरन, नाइक्रोम और प्लेटिनम। तो आपको आंसर बताना है कि इलेक्ट्रिकल आयरन में हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए तो बताओ आंसर क्या आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल आयरन में हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है। चलिए तो अधिकतर लोगों ने सी बताया है, इस क्वेश्चन की क्या का आर्ग्यूमेंट क्या होता नहीं है, इसका आंसर सी आएगा, नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद में अगला देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है बहुत बढ़िया है, उसमें ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में या एंड टू एंड। तो बताएं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आंसर बताएं इसका क्या आएगा। तो निश्चित सबको पता है हमारे घर में बल्ब, फ्रिज, कूलर सब के सब कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं 141, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये विच टाइप ऑफ वायरिंग है रिकमेंडेड टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन, यानी टेम्प्रोरी जो आपकी टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग यूज करते हैं। अब जैसे मान लो शादी पार्टी है या कम समय के लिए फंक्शन है, तो वो तो टेम्प्रोरी हुआ, टेम्प्रोरी का मतलब कुछ समय के लिए, तो ऐसे केस में हम कौन सी वायरिंग यूज करते हैं, क्लिट वायरिंग हम यूज करते हैं, ऐसे केस में क्लिट वायरिंग हम यूज करते हैं, डन और नो डन। अब 140 हो गया, अब हम बात करेंगे 140 की। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्टेयर केस वायरिंग है, अब कहता है स्टेयर केस वायरिंग में कौन सा स्विच हम यूज करते हैं, तो 140 बताएं स्टेयर केस वायरिंग में कौन सा स्विच हम यूज करते हैं, 140 बताएं आप, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर बता रहा है, स्टेयर केस वायरिंग में कौन सा स्विच हम काम में लेते हैं। तो क्या है, ओम प्रकाश ने डी बताया है, सचिन ने डी, दीपक ने भी डी बताया, अक्षय ने बी, और इसके अलावा मधुसूदन डी, अच्छा चलिए दीपक ने डी, दीक्षित ने भी डी बताया, दीक्षित सेन ने डी बताया है, और ये कौन सा है, करिश्मा ने भी डी बताया है, दीपक डी। 100% इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेयर केस में टू वे स्विच होते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, डन और नो डन। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ, आप 30-40 पेपर सोल्व कर लें, अच्छे से सोल्व कर लें, आपका सिलेक्शन पक्का है। एग्जामों में आजकल क्वेश्चन ओल्ड एग्जामों से आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूज वायर की, कहता है फ्यूज वायर के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बताएं क्या आएगा इसका आंसर, फ्यूज वायर कि भाई फ्यूज वायर के केस में कौन सा सही है, तो बताएं क्या होगा, यानी फ्यूज वायर के केस में कौन सा आंसर सही है, तो बताइए क्या आएगा आंसर इसका, फ्यूज वायर, अधिकतर लोगों ने इसमें टाइप किया है सी। अब देखो भाई फ्यूज वायर है ना, इसका हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट को हटा देना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट हमने हटा दिया, तो ये कन्फर्म है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। अब हमें बात करना है रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी लो होती है या हाई, तो कई बार इस क्वेश्चन में विवाद हुआ है, कई बार इसकी रेजिस्टिविटी लो मानते हैं, कई बार हाई मानते हैं, लेकिन हम 100% यही कहेंगे कि फ्यूज की रेजिस्टिविटी लो होती है, यानी आंसर क्या होगा सी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई, डन और नो डन। अब बात करते हैं 138 क्या है, विच डिवाइस इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस, यानी सेफ्टी डिवाइस के लिए हम कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं, तो बताएं कि भाई सेफ्टी डिवाइस मोटर, जनरेटर, इन्वर्टर और फ्यूज, तो बताएं 138 का आंसर क्या होगा। तो ओबीएससी बात है, हमें सेफ्टी डिवाइस के रूप में मोटर यूज करते हैं ना भाई, बिल्कुल नहीं यूज करते, जनरेटर यूज करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते, इन्वर्टर यूज करते हैं ना, नहीं करते, आंसर क्या आएगा, फ्यूज ही आएगा, अधिकतर लोगों ने इसका आंसर फ्यूज ही किया है। चलिए अब ये क्वेश्चन बताओ, अब जो लोगों ने पेपर नहीं पढ़ रखा ना वो 137 का आंसर नहीं बता सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी 2 टन की एसी है तो उसके वायर का साइज क्या होगा, इसका आंसर वही बता सकते हैं जिन्होंने पेपर पढ़ रखा है, तो बताएं दी। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, अच्छा तो अब ये क्वेश्चन जो है उन्हीं लोगों का सही है जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो देखो अदरवाइज गलत है, और ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो सिलेक्शन में आपको बहुत फायदा करते हैं, आपने पढ़ रखा है तो पढ़ रखा है, आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल पढ़ रखी हो लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा ना आपका गलत है, पढ़ रखा है तभी सही है। तो देखो
ये RSMSB में आया है कि 2 टन की अगर AC है तो वायर का साइज क्या होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका साइज होगा 4 mm स्क्वायर। तो जिन लोगों का सही है वो देख ले, उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, बाकी सबका गलत है। चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे 136। अब देखो ELCB की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो ELCB, तो देखो इसने में देखिए ई ई का मतलब अर्थ, इलेक्ट्रोलाइट, अर्थ लोकिंग, और उसके अलावा आपका क्या है यानी कि डी में है इलेक्ट्रिक। तो बताएं क्या इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी इसका आंसर क्या होगा सी। डन और नो डन। अब हम बात करेंगे 135 की। अब देखो 135 क्या है, 135 है कि सोलर पावर प्लांट है और विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सोलर पावर प्लांट के लिए कौन सा एरिया प्रिफर्ड है, अगर देसी बात करें तो सोलर पावर प्लांट को हम कहाँ पर लगाते हैं। और इस दौरान आप एक बात ध्यान रखना, आपको वो क्वेश्चन नोट करने जो आप नहीं जानते, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे कल। तो सोलर पावर प्लांट को कौन से एरिया में लगाते हैं या कौन सा एरिया प्रिफर्ड करते हैं, तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, बताइए। ये वही बता सकते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, बाकी गलत है। तो चलिए इसका इसका आंसर आएगा बी, हॉट एंड एरिड जोन। अगर हम बात करें गर्म और शुष्क क्षेत्र, इसी में हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हम 134 क्वेश्चन की। 134 हम देखते हैं कि 134 क्या है। तो देखो 134 ये आपका 135, उसके बाद में 134 ये आपका है, एक मिनट 134 एक मिनट, अच्छा ये हो गया क्या, हॉट एंड एरिड जोन 136 हो गया, उसके बाद में 134। यस ये क्वेश्चन है 134, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, JB गुप्ता का है। क्वेश्चन देखो क्या है, ये बात कर रहा है सोलर पैनल की बात कर रहा है कि एक जो मॉड्यूल है इन सोलर पैनल रेफर्ड है, यानी सोलर पैनल में मॉड्यूल का क्या मतलब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट पढ़ रखा है कि सोलर पैनल में मॉड्यूल का क्या मतलब है। 134 में बताएं आंसर क्या होगा, चलिए बताओ क्या आएगा इसका आंसर, कि जो आपका सोलर पैनल है इसमें मॉड्यूल का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन JB गुप्ता का भी है, विकास आप रेगुलर कमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े टाइम में। सोलर पैनल में मॉड्यूल का क्या मतलब है, JB गुप्ता का क्वेश्चन है, 3-4 एग्जामों में ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है, केवल उन्हीं का सही है जिन्होंने अभी पढ़ रखा है या पहले से पढ़ रखा है। सोलर पैनल में मॉड्यूल का क्या मतलब है, 134 का आपको आंसर बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा सी, सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। अच्छा, चलिए तो संजय कुमार तुम रिफ्रेश कर लो, तो मॉड्यूल का मतलब है सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं 135। देखो 135 पर हम 2-3 मिनट बात करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, संजय संजय तुम कह रहे हो भाई अटक रहा है, तो इसको क्या रिफ्रेश कर लो आप, तब आप समझ पाओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बात कह रहा है हॉरिजॉन्टल अक्ष और वर्टिकल अक्ष किसके टाइप हैं, नॉन कन्वेंशनल के। देखो आजकल इलेक्ट्रिकल में नॉन कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं 2-3 मिनट बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो हम पहले समय से काम में ले रहे हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और आपका उनकी बात है, वो आपके कन्वेंशनल है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, नॉन कन्वेंशनल की ये बात कर रहा है। अब कहता है नॉन कन्वेंशनल में आप उनका नाम बताएं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अक्ष मशीन है। ये जो विंड विंड टाइप आपका प्लांट होता है, विंड का मतलब पवन चक्की दो तरह से लगी रहती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमने कल भी आपको बताया था कि विंड पावर प्लांट हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और भाई ये विंड है ना नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल का क्या मतलब है, जिनका प्रयोग 1973 के बाद में होने लगा है, यानी आजकल के जो प्लांट हैं वो आपके नॉन कन्वेंशनल हैं, इस पर हमने थोड़ी सी बात की। अब देखो अब हम बात करते हैं 132। अब ये जो क्वेश्चन है 132, जो लोग इसका आंसर नहीं कर पा रहे वो देख लेना सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अगर कोई आंसर बता रहा है 132 का, इसका मतलब उसने पढ़ रखा है। देखो क्या है, कंट्रोल रोड है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल रोड का संबंध न्यूक्लियर पावर प्लांट से, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा कंट्रोल रोड है तो आपको पहले पता होना चाहिए कंट्रोल रोड का संबंध किससे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और कंट्रोल रोड की हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं CBH, कंट्रोल रोड की हम आपको ट्रिक बताते हैं CBH। CBH का मतलब क्या है, कैडमियम बोरोन, और H का मतलब है हैफीनियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैडमियम बोरोन और हैफीनियम, इनकी बनी होती है कंट्रोल रोड।
अब कंट्रोल रोड करती क्या है, कंट्रोल रोड क्या है, खा जाती है न्यूट्रॉन को, उससे क्या है चैन रिएक्शन आपकी स्लो हो जाए। तो आप ये बताएं कंट्रोल रोड है, अब कंट्रोल रोड में ही बात कर रहा है के की, कि भाई के की वैल्यू क्या होगी, कब, जब कंट्रोल रोड को हम रिएक्टर में इंसर्ट कर रहे हैं तब, तब आपको बतानी है। अब बताएं आंसर, इसका जीरो और वन तो आंसर होगा नहीं, ये तो कन्फर्म है, इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि के का आंसर क्या होगा। और ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए थे इसमें से 132 ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कंट्रोल रोड को हम रिएक्टर में डाल रहे हैं तो आप ये बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर दीक्षित ने डी किया है, दीपक वर्मा बी, गलत है बेटे, सुरेंद्र इंजीनियर साहब तुम्हारा भी गलत है, सीताराम सैनी बी तुम्हारा भी गलत है, और दीक्षित ने डी किया है, बिल्कुल दीक्षित तुम्हारा आंसर सही है। तो ध्यान रखें 132 का आंसर क्या होगा, 132 इसका आंसर निश्चित ही क्या होगा, डी, यानी कि एक से क्या होगा, कम होगा। अब इन जिनका क्वेश्चन ये गलत है इसलिए गलत है कि उन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा। अब हम आपको बता देते हैं क्या है, एक बार दोबारा बोलूंगा मैं इसके बारे में। पहली बात तो के है, इसका संबंध न्यूक्लियर पावर प्लांट से है, जब हम कंट्रोल रोड को रिएक्टर में इंसर्ट करते हैं तो के की वैल्यू एक से क्या होती है, कम होती है। अब आप कहेंगे ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बन, ये बता के क्या होता है, तो मैं आपको के बता देता हूँ क्या है। के होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी जनरेशन में, अपॉन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग जनरेशन में जनरेट होंगे, तो 132। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आपका मॉडरेटिंग रेशियो, ये कह रहा है कि मॉडरेटर है उसका मॉडरेटिंग रेशियो हाईएस्ट किसका होता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में लिखा है, आंसर बताएं क्या होगा। यस, क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट मॉडरेटिंग रेशियो किसका होता है, तो देखो ओम प्रकाश ए, श्याम सुंदर लगातार ए बताया है, हेमराज ने ए बताया है, इसके अलावा अमित ए, हंसराज ए, और उसके अलावा श्याम सुंदर ए, गीता देवी का भी ए है, मोहम्मद गिरराज पवन जी का भी ए है, इलेक्ट्रिकल फॉर यू इसका भी ए है। चलिए तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडरेटर। अच्छा मॉडरेटर क्या करता है, जब हमारी चैन जब मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को स्लो करता है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम D2O। ये D2O क्या है भाई, बारी जल है, डन और नो डन। अब आपका ये टेस्ट चल रहा है, आप उन्हीं क्वेश्चनों की बात करना बाद में जो आपसे नहीं हुए हैं, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन में से आपसे 10 आपने 90 का आंसर दिया उसकी बात नहीं करनी, आपको बात उन 10 क्वेश्चन की करनी जो आपको नहीं आई थी, क्योंकि यही कंपटीशन है। आप ये देखना आपसे 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 12। अब देखो 113, अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर साइट सेलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मान लो मैं इंजीनियर हूँ और मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल यानी पानी वाला प्लांट लगाना है, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो इसमें मैं इस नोट वर्ड को हटा देता हूँ, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ए रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अरे भाई तुम पानी वाला प्लांट लगा रहे हो हाइड्रो, तो वहाँ पानी तो होना ही चाहिए, यानी ए रिक्वायरमेंट है। बी लार्ज कैटेचमेंट एरिया, अरे भाई पानी को भरने के लिए जगह भी चाहिए, यानी इसका आंसर बी भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन है सी और डी, इनमें से आपको आंसर बताना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की क्या तो रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो अब आपको पता है हाइड्रो पावर प्लांट है अधिकतर पहाड़ी एरिया में होता है, भाई जहाँ पहाड़ होगा वहीं तो हम पानी वाला प्लांट लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ भी एक दीवार की तरह कार्य करता है, तो पहाड़ की ज़मीन पथरीली होगी, यानी सी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, यानी 130 का क्या आएगा, डी, दीक्षित का डी है, इसका आंसर आएगा डी, यानी 130 का आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, यानी कि आपको तलछट वाला एरिया नहीं चाहिए। अब देखो अब उसके बाद हम बात करेंगे हम 139। अब देखो 139 क्या है, जो लोग बता पा रहे हैं बहुत बढ़िया, टेस्ट है भाई ये, और कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप समझो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है मतलब बहुत बढ़िया, आप उन्हीं क्वेश्चनों को याद रखना जो आपको नहीं आ रहा बस। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है, कहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है वो कौन सा है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, यानी नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब वो पावर प्लांट जो आजकल चलन में है, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया। तो तुम्हें पता है हाइड्रो पावर प्लांट से तो बिजली पुराने टाइम से ही बन रही है, यानी सी तो इसका आंसर यार ही कटेगा, एक मिनट, हो गया, डिलीट मारो इसे, एक मिनट में एकदम, यस। तो वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की हम बात कर रहे थे, तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है वो कहता है कौन सा है। तो सबसे पहले हम, यस एक मिनट आ गया, दोबारा 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 कनेक्ट हो गया हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल,
अरे यार इसने तो, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है उसकी हम बात कर रहे हैं। यार किसी का कॉल आ गया उसके कारण हम इंटरप्ट हो गए। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, तो देखो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट ओबीएससी बात है नॉन कन्वेंशनल तो है नहीं, क्योंकि आजकल नहीं, इसका जो हम यूज कर रहे हैं वो ओल्ड टाइम से ही कर रहे हैं, यानी सी इसका आंसर होगा नहीं, डन और नॉट डन। अब है ए ऑप्शन देखो आप, अच्छा डी कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं है। अब हम आपको दो पॉइंटों पर बात करेंगे, ए नॉन रिन्यूएबल, ए नॉन रिन्यूएबल और बी है कन्वेंशनल। ये जो एक बंदे का फोन आया वो बता रहा है कि मेरा लिंक नहीं ओपन हो रहा है, तो दूसरे लिंक पर जाकर आप कमेंट कर दो ताकि और लोग भी कनेक्ट हो पाए। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल। देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है, एक्चुअल में जो कभी खत्म ना हो वो है रिन्यूएबल, और जो कभी खत्म हो जाए वो है नॉन रिन्यूएबल। तो दुनिया में से पानी कभी भी खत्म नहीं होगा ये स्टडी बताती है, तो नॉन रिन्यूएबल भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी, यानी कि आपका कन्वेंशनल सोर्स है हाइड्रो। कन्वेंशनल का मतलब जिनसे आपकी बिजली ओल्ड टाइम से बन रही है। अब हम बात करेंगे 128। अब देखो क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सी वाटर इज द मोर एडवांटेजियस। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताएं क्या होगा। 128 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमें जनरेट करनी है, और किससे जनरेट करनी है, समुद्री जल से, यानी कि समुद्री जल से आपको बिजली बनानी है। तो कहता है कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, न्यूक्लियर, ओशियन, वेव और टाइडल। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर को तो हटा देते हैं, न्यूक्लियर का मतलब आपका जो नाभिक के विखंडन से बिजली बनती है, इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। अब तीन ऑप्शन बच गए, ए है वेव पावर, बी है ओशियन और सी है टिडल। तो बताइए 128 का आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 128। तो इसका आंसर, अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जिन्होंने पढ़ रखा है, जैसे सीताराम ने सी बताया है, गुलशन ने सी बताया है, दीक्षित ने सी बताया है, और श्याम सुंदर ने भी सी बताया है, इसके अलावा मोहम्मद आसिफ ने भी सी बताया है, हेमराज गुजर ने भी सी, विकास ने भी सी, 100% इसका आंसर क्या है, सी, यानी कि टाइडल पावर। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग मतलब जनरेटिंग स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। मिनिमम रनिंग कॉस्ट आपको बताने की, मिनिमम रनिंग कॉस्ट किसकी है, तो बताएं 127 का आंसर क्या होगा, मतलब मिनिमम रनिंग कॉस्ट किसकी है आज, यस मिनिमम रनिंग कॉस्ट। अब देखो अगर हम बात करें मिनिमम रनिंग कॉस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं ए ऑप्शन न्यूक्लियर, बी हाइड्रो, सी थर्मल और डी डीजल। तो बताएं आंसर क्या होगा, तो देखो ए की वर्ड में समझें, जो पानी है ना वो फ्री में मिलता है, तो हाइड्रो जो पावर प्लांट है उसकी मिनिमम होती है क्या, आपकी रनिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। अच्छा एक यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग कॉस्ट, तो रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसकी है, हाइड्रो की, क्योंकि पानी फ्री में मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग कॉस्ट की, कि कौन से प्लांट की स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर सी हम थर्मल को हटा दें और डी हम डीजल को हटा दें, तो दो ऑप्शन बचे, ए न्यूक्लियर और बी ए हाइड्रो। अब आपको बताना है इन दोनों में से किसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी शुरू में लगाने में पैसा किसको ज़्यादा लगता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने में पैसा ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों, हाइड्रो में तो दीवार बनानी पड़ती है, पर आपको पता है न्यूक्लियर में जो रिएक्टर है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब हम बात करेंगे 146। अब देखो 146 देखो एकदम आपके सामने है, कहता है आपको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो आपका एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, किसमें, थर्मल पावर प्लांट में। तो 126 का आप आंसर बताएं क्या होगा, 126 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, एयर पोल्यूशन है, बढ़िया बात है, नहीं आप गलत बात बता रहे हो, ये कौन है, विनोद भाटी। विनोद भाटी कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई, उस क्वेश्चन को आप बताएं कि कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यू, अच्छा यस 127, एक मिनट, हाँ भाई विनोद, विनोद भाटी ने भी मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि 127 में प्रॉब्लम है, तो दोबारा बताओ कि भाई 127 में प्रॉब्लम है क्या। हाँ यस विनोद भाटी बिल्कुल, तुमने कहा स्टार्टिंग में हाइड्रो की लागत अधिक होती है, बिल्कुल इसकी दोबारा बात करते हैं। एक तो विनोद भाटी तुम ये ध्यान रखो, जो आदमी तुम्हें पढ़ा रहा है 10 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए, ये तो अहंकार की बात हुई। अब प्रेम से सुनो, ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी 3 बार फेस कर चुका हूँ। एक तो आपके दिमाग में बैठा लें कि स्टार्टिंग कॉस्ट न्यूक्लियर की ज़्यादा होती है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्यों ज़्यादा होती है, कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तुमने क्यों बताई कि हाइड्रो की लागत ज़्यादा है, आप इसलिए बता रहे हो कि हाइड्रो में बांध बनाने में पैसा ज़्यादा लगता है, वो बात मैं भी कह रहा हूँ, बांध बनाने में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खर्चा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को, रिएक्टर के इंस्टॉलेशन में। तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा ए, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो आप ध्यान रखें।
चलिए तो ध्यान रखना इसका आंसर, अगर स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा की बात हो तो न्यूक्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम 126। तो देखो 126 क्या है, ठीक है भाई ठीक है, 126 क्या है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर क्या करता है, जे बी गुप्ता हम लिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर क्या करता है, तो ये डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करता है, डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करता है। चलिए उसके बाद में 125 कहता है मेगर क्या है, मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, हॉट वायर और इलेक्ट्रोलाइट इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ मेगर क्या है, जो लोग आंसर बता पा रहे हैं अपने आप पे घमंड करना सीखो, तुमको आंसर आ रहा है बड़ी बात है। तो बताओ मेगर क्या है, मूविंग आयरन, हॉट वायर और इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो अधिकतर लोग देखो हॉट वायर का और इलेक्ट्रोलाइट का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो मूविंग आयरन में या मूविंग कोयल में होगा, तो इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि मेगर क्या है। तो ध्यान रखना आप सब जानते हैं, मतलब मैं यही मानकर ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, मेगर जो है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, और मेगर मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे 124, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 124। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है भाई, कहता है पावर फैक्टर मीटर है, हैज पावर फैक्टर मीटर हैज 4 कंट्रोल स्प्रिंग, 2 कंट्रोल स्प्रिंग, 1 कंट्रोल स्प्रिंग और नो कंट्रोल स्प्रिंग। इसका आंसर आपको बताना है 124। अब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आज तक मतलब अगर हल्की फुल्की छोड़ देता हूँ, मैंने मेजरमेंट में पावर फैक्टर मीटर ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि भाई पावर फैक्टर मीटर है उसका कंट्रोलिंग टॉर्क आपको बताना है, इसमें 4 कंट्रोल स्प्रिंग है, 2 कंट्रोल स्प्रिंग है, 1 कंट्रोल स्प्रिंग है और नो कंट्रोल स्प्रिंग है। और मैं आप ईमानदारी से कह रहा हूँ, चाहे आप पूरा पावर फैक्टर मीटर पढ़ लो आप, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना आपसे एग्जाम में नहीं होगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा पावर फैक्टर मीटर। देखो ओम प्रकाश डी, गिरिराज यादव का डी लगातार, विकास वर्मा का डी, ये गलत है, रवि दत्त का भी गलत है, विकास वर्मा का डी, दीक्षित का डी है, संजय का भी, जाटव का भी डी है, गीता का भी डी है, दीपक का भी डी है, श्याम सुंदर डी लगातार, दीपक वर्मा का डी है, अजय डी। अच्छा तो 100% इसका आंसर क्या आएगा, डी, नो कंट्रोलिंग टॉर्क। यानी ये क्या है, दो, ओ जलज मिश्रा तुम आ गए हो, तुमने दो बार फोन किया था, तुम्हारे कारण दो बार वीडियो रुक गया है। चलिए पावर फैक्टर मीटर है उसमें कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती है, ये कई बार एग्जाम में आया है। चलिए अब बात करेंगे हम 124 की, आराम से देखो क्वेश्चन क्या है, 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, उसकी एक्यूरेसी 5% है। तो आपसे कह रहा है कि भाई परसेंटेज एरर क्या होगा अगर आपको 50 वोल्टेज मेजर करने हैं, तो अगर आपको 50 वोल्टेज मेजर करने हैं तो देखो 100 वोल्ट है और उसमें एक्यूरेसी कितनी है 5%, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 5/100 × 100, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू, 5 आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें जो 5 है उसको डिवाइड करना है 50 से, तो 5/50 × 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 से 2 टाइम तो 5/2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10%, यानी इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो इसका आंसर लगातार किसने, इलेक्ट्रिकल डी, श्याम सुंदर ने भी डी, गीता देवी ने भी डी, तो आप कनेक्ट हैं, बहुत बढ़िया भाई। आपको पता है ये देसी घी चल रहा है भैंस वाला, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो और बढ़िया। तो ध्यान रखिए इसका आंसर 10 आएगा। अब बात करते हैं हम 122 की, 122 तो ये जो क्वेश्चन है 132 केवी एसी वोल्टेज है, ये आपको मेजर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, हॉट वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। तो बताएं आप आंसर क्या होगा, 132 केवी। ये क्वेश्चन जो बताएंगे ये समझो डायरेक्ट आपने पढ़ रखा है, विकास वर्मा का डी है, ये क्या है, इसके अलावा विकास वर्मा, जलज मिश्रा, इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, दीपक ने डी, अमित ने डी, विकास वर्मा ने डी, ओम प्रकाश ने डी। अच्छा अब देखो भाई, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो कितनी बड़ी बात है, 132 केवी मतलब 132,000 की बात चल रही है, तो ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए हमें क्या यूज करना है, ये बात है। तो देखो 132 केवी यानी 132,000, तो इसका आंसर आएगा आपका नो डाउट, ये इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इसका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो UPPCL JEE में आया था, और मैंने पिछली कई बार कह दिया कि पिछली बार मैंने UPPCL का DV करवाया था लेकिन मैं एक नंबर से फेल हुआ था। अब इलेक्ट्रोलाइट वोल्टमीटर का एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ क्या था क्वेश्चन, ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप क्या होता है, ए ऑप्शन था एमीटर, बी ऑप्शन था वोल्टमीटर, सी था एमीटर वोल्टमीटर दोनों, और डी था इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप क्या होता है,
ए ऑप्शन एमीटर, बी ऑप्शन वोल्टमीटर, सी ऑप्शन एमीटर वोल्टमीटर दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप केवल वोल्टमीटर होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप एमीटर नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे आपका 121। अब देखो 121 देखें, डैम्पिंग टॉर्क है इंस्ट्रूमेंट में जर्नली नॉट प्रोड्यूस बाई, यानी डैम्पिंग टॉर्क की बात चल रही है, डैम्पिंग टॉर्क की बात चल रही है, डैम्पिंग टॉर्क कि डैम्पिंग टॉर्क किससे पैदा नहीं किया जाता। अब हम आपको बताते हैं पहले डैम्पिंग टॉर्क क्या है। हमारा पॉइंटर होता है, अब मान लो पॉइंटर हमारी करंट जो मेजर कर रहे हैं वो 10 एम्पियर है, हमारा पॉइंटर 10 एम्पियर पर पहुंच गया, लेकिन 10 एम्पियर पर हमारा पॉइंटर जाकर क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो हम उसे क्या तुरंत रोकना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सा टॉर्क काम में लेते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। एक बार दोबारा बताता हूँ, मेरा मीटर है, उस मीटर से मैं करंट मेजर कर रहा हूँ और मेरी मेजर करने वाली करंट 10 एम्पियर है। अच्छा, मेरा पॉइंटर 10 एम्पियर पर चला गया और वहाँ जाकर क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो डैम्पिंग टॉर्क है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा बी ऑप्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप आपकी डैम्पिंग होती है, यानी कि जो एडी करंट डैम्पिंग है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग भी होती है। अब दो ऑप्शन बचे, एक पैन्यूमेटिक और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। पैन्यूमेटिक टाइप भी डैम्पिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप डैम्पिंग नहीं होती, यानी आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो अधिकतर लोगों ने इसका सी आंसर बताया। दीक्षित, ये दीक्षित ने मेरे से कहा है कि मैंने पूरी जेबी गुप्ता कंप्लीट कर ली है, इसके लगातार आंसर सही आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। जेबी गुप्ता कंप्लीट किया तुम्हारा निश्चित सिलेक्शन होगा, एकदम टेंशन ना लें। अब हम बात करेंगे 120। तो देखो सिंगल कोर की केबल है, यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद, मतलब सिंगल कोर की केबल में क्या नहीं होता। ए ऑप्शन सीथ, बी ऑप्शन स्टील की आर्मोरिंग, सी ऑप्शन है रबर का इंसुलेशन, और डी है पेपर इंसुलेशन। आराम से बताओ आंसर क्या आएगा। अब जिन्होंने पढ़ रखा है ना वही आंसर कर सकते हैं बस। हाँ बिल्कुल दीक्षित, सिंगल कोर की केबल है, यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विद, मतलब सिंगल कोर की केबल में क्या नहीं होता, सीथ, स्टील की आर्मोरिंग, रबर का इंसुलेशन और पेपर इंसुलेशन। तो बताएं क्या है। गिरिराज ने बी बताया, सुरेंद्र ने भी बी, ओम प्रकाश बी, अक्षय बी बी, ये करिश्मा गोयल गड़बड़ है, हेमराज बी, विकास वर्मा बी। चलिए अब देखो सबसे पहली बात तो ये है, बात ये चल रही है कि क्या नहीं होता, ये बात चल रही है कि आपका सिंगल कोर की केबल में क्या नहीं होता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम 120 की बात करें इसका आंसर आएगा बी, यानी कि इसमें स्टील की जो आर्मोरिंग है वो नहीं होती। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई अंडरग्राउंड केबल की बात कही तो मैं तो शान से इस बात को कहता हूँ कि अंडरग्राउंड केबल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील की आर्मोरिंग होती है। कहते हैं ना बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा, और मजबूती चाहिए तो स्टील, स्टील की आर्मोरिंग होती है जो मैकेनिकल मजबूती प्रोवाइड करती है, लेकिन ये स्टील की आर्मोरिंग सिंगल कोर की केबल में नहीं होती। अच्छा 119 नंबर क्वेश्चन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, हम भी इसकी बात नहीं करेंगे। अब देखो उसके बाद में हम बात करते हैं 118 क्वेश्चन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है अंडरग्राउंड केबल है, बढ़िया है, इसमें वोल्टेज का स्ट्रेस कहाँ पर मैक्सिमम होता है, ये आपको बताना है 118 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं कौन आंसर कर पाता है कि अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज का स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, तो जलज सरफेस ऑफ कंडक्टर, दामोदर गोठवाल, दीक्षित ने बी, दीक्षित ने फिर भी बताया है, ए बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ ने बी, संतोष अब आइए काफ़ी देर बाद लाइव ए, इसके बाद पवन जी बी, चलिए सचिन। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यस सबसे पहली बात ये है वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम की बात चल रही है, ना तो इसका आंसर आर्मोरिंग है और ना ही इसका आंसर सीत है। अब दो ऑप्शन बच गए, ए है कोर ऑफ कंडक्टर और बी है सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलिए अब कह रहा है वोल्टेज का स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, ये हम आपको बताते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो अब देखिए दामोदर अब तुम आंसर करो। अब देखो सबसे पहले जलज मिश्रा और दीक्षित ये मुझे पता है कि वोल्टेज का स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है वो कंडक्टर की सरफेस पर, हम मानते थे कि कंडक्टर की जो सरफेस है इस पर आपका स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन आजकल कई गवर्नमेंट एग्जामों में ये माना है कि वोल्टेज का जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम जो कंडक्टर की कोर पर होता है, आजकल दो तीन बोर्डों ने ये आंसर माना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर की जो सरफेस है इस पर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, कई जगह ये लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन से आप सावधान रहें,
कई एग्जाम आजकल मान रहे हैं इसका आंसर कंडक्ट, कोर ऑफ कंडक्टर, यानी आंसर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 118। तो ये जो 118 नंबर क्वेश्चन है ये विवादित है, इसको कल हम दोबारा देखेंगे। अब दोबारा देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जो वोल्टेज का जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, ये बात सही है, लेकिन आजकल कई एग्जामों में मोहम्मद आसिफ, आपने तो बहुत बार सरफेस, हाँ मोहम्मद आसिफ मैंने सरफेस ही बताया है, मैं इसको से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल जब दोनों ऑप्शन हो ना, सरफेस ऑफ कंडक्टर और कोर ऑफ द कंडक्टर, तो उस केस में लोग इसका आंसर मान, ये जो बोर्ड है वो इसका आंसर कोर ऑफ कंडक्टर मान रहा है। इसको नेट पर सर्च कर लिए भले ही आप, क्या कह रहा हूँ मैं, वोल्टेज का स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, कंडक्टर की सरफेस पर, लेकिन आजकल कई बोर्ड एग्जामों में कोर ऑफ कंडक्टर पर माना हुआ है। तो इस क्वेश्चन से सावधान रहें आप, इसको नेट पर सर्च करें, इस हिसाब से इसको एग्जाम में मतलब आपको अटेम्प्ट करना है। अगर दोनों आंसर आए तो ए करना है, नहीं तो इसका आंसर बी होगा। मैं आपको बताता हूँ, सचिन शर्मा सर इसमें एग्जाम का पेपर है, हाँ बिल्कुल ये एग्जाम का पेपर है राजस्थान स्टेट का, नेट पर कोर ऑफ, हाँ बिल्कुल कोर ऑफ कंडक्टर, श्याम सुंदर ए विकास नेट पर ही दे रखा है, हाँ बिल्कुल कोर ऑफ कंडक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं 118, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है केबल के इंसुलेशन के लिए कह रहा है कि केबल का इंसुलेशन है उसकी रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये, टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा इंसुलेशन है वो इंसुलेशन की तरह ही व्यवहार कर रहा है, टेम्परेचर और बढ़ा, हमारा जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा इंसुलेशन है ना वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। इसका आंसर ए तो आएगा नहीं, सॉरी इसका आंसर ना तो ए होगा और ना ही इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम बात करेंगे सीओरडी की, निश्चित ही टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसा सी में भी लिखा हुआ है और डी में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो रेजिस्टेंस घटता है ना वो एक्सपोनेंशियली घटता है ना कि लीनियरली, यानी इसका आंसर आएगा डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो मेरे भाई ये चल रहा है देसी घी, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पेपरों में पेपर के रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो घटेगा तो ए आंसर नहीं आएगा और बी आंसर नहीं आएगा। अब सी और डी देखो, डिक्रीज और डिक्रीज, तो जो आपका ये रेजिस्टेंस घटता है ना ये एक्सपोनेंशियली घटता है, डन और नो डन। उसके बाद में हम बात करेंगे 116, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। कहता है आइडियल सर्किट ब्रेकर है और आइडियल सर्किट ब्रेकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दो मिनट एक मिनट का टाइम है बताएं, आराम से पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। यस, इसका आंसर बताएं आइडियल सर्किट ब्रेकर का, आइडियल सर्किट ब्रेकर है और आइडियल सर्किट ब्रेकर के बारे में कौन सा सही है, जो ये क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं ना समझो गवर्नमेंट जॉब बहुत पास है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या सीन है, सबसे पहली बात तो ये है सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, कौन कौन से, एक कॉन्टैक्ट होता है मेल और एक होता है फीमेल यानी स्त्री पुरुष, या एक कॉन्टैक्ट होता है फिक्स और एक कॉन्टैक्ट होता है मूवेबल। अच्छा ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर एक कॉन्टैक्ट क्लोज है एकदम बढ़िया क्या फील हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, और अगर एकदम बढ़िया करंट फ्लो हो रही है तो आपका जो इम्पीडेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। दोबारा देख लें मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं, हमको हिमालय पे नहीं जाना, आराम से, सर्किट ब्रेकर है उसके दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, बढ़िया है, या एक कॉन्टैक्ट होता है फिक्स और एक होता है मूवेबल, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं, मतलब एकदम बढ़िया क्या बह रही होती है करंट, नॉर्मल कंडीशन में अगर एकदम बढ़िया करंट फ्लो हो रही है तो इसका इम्पीडेंस होता है जीरो। अब मान लो फॉल्ट आ गया, तो जैसे ही फॉल्ट आ जाता है तो मेल और फीमेल जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो करंट फ्लो, करंट का मान क्या हो जाता है जीरो, और इम्पीडेंस आपका क्या हो जाता है, इम्पीडेंस आपका क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सर्किट ब्रेकर है, नॉर्मल कंडीशन में मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट जुड़े हुए होते हैं या क्लोज होते हैं, बढ़िया करंट फ्लो हो रही होती है, इम्पीडेंस जीरो होता है। अब मान लो यार मेल और फीमेल में फॉल्ट आ गया तो दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, और दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो गई तो करंट का मान जीरो और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, अनंत। तो ऐसा किस में दे रखा है भाई, ऐसा दे रखा है ए में, जीरो एंड जीरो होगा एंड इनफाइनाइट होगा बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि आंसर
अच्छा जलज मिश्रा ने सबसे पहले आंसर दिया था। अरे मिश्रा जी आप तो इंजीनियर्स अकेडमी टॉपर हो भाई, इसका आंसर आएगा ए, यूपीपीसीएल आपकी बार कर दोगे, डन, टेंशन मत करो। उसके बाद में बात करते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल जलज मिश्रा गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पास में, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा सही था तो 115 देखो। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम एयर यूज कर रहे हैं, हवा यूज कर रहे हैं, तो उस हवा, वो हवा कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ऑयल, और आपका डी ऑप्शन है मॉइस्चर। तो क्या नहीं होना चाहिए बताओ आप, एयर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर कैसी होनी चाहिए बताएं आंसर। दीक्षित डी, अच्छा ये दीक्षित ने आंसर किया था पिछले क्वेश्चन का, पता नहीं। जलज मस्ट हैव लिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जलज मिश्रा 115, यस। ये जो है जो हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर यूज कर रहे हैं उसका क्या सीन है, तो इस एयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जलज मिश्रा राजस्थान बोर्ड ने इसका आंसर डी माना है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो एयर होती है वो मॉइस्चर फ्री होती है, डन और नो डन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 115 है। चलिए उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 114, ये क्वेश्चन RPSC यानी राजस्थान के पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया है, ये क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया है, और ये एक एग्जाम का ही पेपर चल रहा है। ये कहता है SF6 है यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर है, अब इसमें आर्क का एक्सटेंशन हो रहा है, तो आर्क कितने कौन कौन से भाग में डिवाइड होती है, SF4, SF2, SF3, S एंड F, बताइए। नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। दीक्षित ने बार बार बी बताया है, विकास वर्मा बी, श्याम सुंदर बी, जलज और संतोष ने भी बी बताया है। संतोष आप लेट आई हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद में गिर शुरू से है, ठीक है। पवन जी, दीक्षित बी, गीता देवी बी, अच्छा सुरेंद्र भी है, गिरिराज भी। चलिए तो ये ध्यान रखना RPSC का है, SF जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है, SF4 एंड SF2, इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद में हम बात करें, ये देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आप पहले ही ध्यान रखें कि तुम कुछ समझा ही नहीं रहे हो, समझा तो अपन उसमें रहे ना ऑब्जेक्टिव में। 114, अब उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 113। अब देखो 113 क्या है, एकदम आराम से देख लें, AC सर्किट ब्रेकर है, और AC सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर, वोल्ट, मेगावाट और MVA, ये आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। हाँ ये AC सर्किट ब्रेकर है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में होती है, एम्पियर, वोल्ट, मेगावाट और MVA। ए से कोई मतलब नहीं है, बी से कोई मतलब नहीं है, आप दो पर फोकस करें, मेगावाट और MVA, तो बताएं क्या आंसर आएगा। तो गिरिराज ने क्या बताया इसका, डी। इसके अलावा अक्षय ने भी 113 में डी बता रहा है, दीक्षित, सुरेंद्र, सुरेंद्र कुमार, अंटर, ये क्या नाम, केवल ने भी, अच्छा आयुष, और इसके अलावा गीता देवी लगातार कनेक्ट है, इन्होंने डी, तो निश्चित ही इसका आंसर MVA है। अभी 100, अब हम बात 112 नंबर क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन है तो हम आपको बता देंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन, बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, मतलब आवासीय क्षेत्रों में, मतलब हमारे घर के आसपास, वो क्या होता है, सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर, ये आपको बताना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बारे में आपको बताना है, बताएं आंसर क्या है। लाइक और ठीक है, गीता देवी डी, सुरेंद्र डी, ये इसके अलावा PT चेत, अच्छा सौरभ हंसराज, लाइक एंड शेयर, ठीक है अमित आई, ठीक है। अब देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ, मेरे घर जो बिजली आ रही है ना वो मीटर पर आ रही है, और मीटर पर जो बिजली लेकर आ रहा है ना वो लेकर आ रहा है सर्विस मैन, मतलब मेरे घर पे बिजली आ रही है मीटर पर, और वो किससे आ रही है, सर्विस मैन से, और सर्विस मैन कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्री फेज और फोर वायर इसका आंसर आएगा, यानी इसका आंसर ए होगा, डन और नॉट डन। उसके बाद में हम बात करते हैं 110, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं क्या आएगा। विच डिस्ट्रीब्यूटर पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सिस्टम इज मोस्ट रिलायबल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, रिंगमैन, ट्री, रेडियल, ट्री एंड रेडियल, बताओ क्या आएगा आंसर। तो प्रधान ने भी ए बताया, दीक्षित ए, हंसराज भी लगातार ए, मनोज ए, इसके अलावा श्याम सुंदर ने ए, नहीं इसके नाम को प्रोनाउंस कर, यस। तो इसका जो आंसर है मोस्ट रिलायबल आपका रिंगमैन है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है आपका रिंगमैन सिस्टम ही है, अधिकतर लोगों ने ये बताया, बिल्कुल खुद का टेस्ट देख लो आपकी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा केवल उन्हीं की बात करो आप। अगला देखो, मेरे घर बिजली लेकर आ रहा है,
अच्छा मेरे घर बिजली लेकर आ रहा है वो सर्विसमैन है, सर्विसमैन जिसमें लगा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे बिजली लेकर आता है फीडर। तो चारों ऑप्शन में फीडर ही लिखा हुआ है। क्या कह रहा हूँ, मेरे घर बिजली कौन लेकर आ रहा है, सर्विसमैन, सर्विसमैन किसमें कनेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर में, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बिजली कौन देता है, फीडर। अब कहता है कौन सा फीडर, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के बीच कौन सा फीडर कनेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा, ये समझो गवर्नमेंट जॉब के बहुत पास है, ये क्या नाम है, पीटी चेतन बी, गलत है भाई। इसके अलावा ये क्या है, चक्रवर्ती, इसने बताया एक गिरिराज बी, तुम्हारा भी गलत है। जलज मिश्रा जी, तुम्हारा भी क्लीन बोल्ड हो, सेकेंडरी भी गलत है। अंकित चौधरी, ये तुम्हारा सही है। और क्या नाम है, ये क्या नाम है, चक्रवर्ती, तुम्हारा आंसर सही है, तुम रेगुलर सही लिख रहे हो। प्राइमरी फीडर आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा प्राइमरी फीडर। डन और नॉट डन, आंसर कर पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का ही पेपर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं 108 की। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये एकदम बढ़िया, अभी नहीं आ रहा होगा, हाँ अब आ रहा है। कह रहा है मेटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल, कहता है हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के रूप में कौन सा मेटेरियल यूज करते हैं। अब देखो इतना ज्योतिष तो मुझे भी पता है कि ये जो आयरन है, एक मिनट दिख नहीं रहा हुआ, एक मिनट, यस अब ठीक दिख रहा है, हाँ। कहता है हाई वोल्टेज की केबल है, उसमें इंसुलेशन के रूप में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखो अब आपको ये पता है कि आयरन को तो हमने कभी इंसुलेशन के लिए काम में लिया नहीं, अच्छा, और ये जो लेड है यानी सीसा, इसको भी कभी हमने इंसुलेशन के रूप में काम में नहीं लिया। डन और नॉट डन। अब दो ऑप्शन बच गए, रबर और पेपर, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है क्या आ रहा। तो जिनका सी था वो तो वैसे ही गलत है, अच्छा दीक्षित ने बी, और पीटी चेतन रबर, तुम्हारा भी गलत है। दीक्षित जेबी गुप्ता का कमाल है, बी बता रहे हो। अक्षय तुम्हारा भी गलत है, सी, यस। तो ध्यान रखना ये जो मतलब जिस बोर्ड ने एग्जाम करवाया है, हाई वोल्टेज केबल के लिए में जो इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं वो आपका पेपर यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन यार हमें एग्जाम में डुबो देते हैं, क्योंकि केवल डाउट हमें ए और बी में ही होगा, तो इसका आंसर पेपर आएगा। आपने कितना भी इंसुलेशन पढ़ रखा हो, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बस फिर आता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे 107, नो लोड की कंडीशन है, बढ़िया है भाई, नो लोड की कंडीशन है। और नो लोड की कंडीशन में अब लोड तो है नहीं, जलज मिश्रा मैंने तुम्हारा नहीं देखा ये क्वेश्चन, अच्छा नो लोड की कंडीशन है तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट क्यों फिल होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन में करंट लोड के कारण तो फिलो नहीं होती, तो फिर क्यों फिल होती है, ये क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन लाइन है, उस पर लोड नहीं है, फिर भी करंट फिल हो रही है, क्यों हो रही है, ये आंसर आपको बताना है। चक्रवर्ती ने बी बताया है, जलज मिश्रा जी बी, अच्छा कैपेसिटेंस बता रहे हैं, और ये क्या नाम है, पंडित कौन सा है, विकास वर्मा ने भी बी बताया है। इसके बाद में दीक्षित बी बता रहे हैं, इसका निश्चित ही आंसर बी है। और देखो धैर्य, तुम ही आंसर नहीं दे रहे हो, सब लोग आंसर देख रहे हैं, निश्चित ही इसका आंसर बी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ, नो लोड पर करंट फ्लो होने का कारण है लाइन का कैपेसिटेंस, ये तो इसमें भी दे रखा है। आगे मैं क्या कह रहा हूँ, जब ट्रांसमिशन लाइन पर लोड नहीं होता, तो जैसे मैंने वोल्टेज भेजे 100 सेंडिंग एंड पर, और रिसीविंग एंड पर मिलते हैं मुझे 150 वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज मैं भेजता हूँ उससे क्या मिलते हैं, ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ पापा ने ATM में मुझे 100 रुपये भेजे और मुझे मिले 150, तो भेज रहा हूँ कम मिल रहे हैं ज़्यादा, इसको बोलते हैं फेरेंट इफेक्ट, और इसका कारण है लाइन का कैपेसिटेंस। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन पर लोड नहीं है फिर भी करंट फ्लो हो रही है, उसका कारण कैपेसिटेंस है, ये तो ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, जब लोड नहीं होता ना ट्रांसमिशन लाइन पर, तो जितना वोल्टेज हम सेंडिंग एंड पर भेजते हैं रिसीविंग एंड पर, हमें उससे ज़्यादा मिलता है। मतलब मान लो मेरे पापा ने गांव से मेरे को 10,000 रुपये मिले भेजे और मुझे यहाँ 15,000 मिल गए, मज़ा नहीं आ जाए। तो ये वोल्टेज जो ज़्यादा मिलता है इसे बोलते हैं फेरेंट इफेक्ट, और ये होता है जो लाइन के कैपेसिटेंस के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ट्रांसमिशन लाइन है, बढ़िया है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना हो रहा है जो आजकल दुनिया में चल रहा है। कोरोना का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के आसपास हमें चिंगारी दिखाई दे रही है, स्पार्किंग दिखाई दे रही है, ओजोन गैस महसूस हो रही है। तो वो मैक्सिमम चांस कब रहता है उसका, गर्मियों में, सर्दियों में, सूखे वातावरण में और आर्द्र में, बताएं आंसर। ये है हुमिड, जलज मिश्रा हुमिड, और आयुष ने भी हुमिड लिखा है। जितनी तुम्हें नॉलेज है ना वो पूरी लिखो मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब तुम्हें चाहिए, स्वर्ग तुम्हें चाहिए, मरना भी तुम्हें। ये दीक्षित ने भी डी बताया है, ये चक्रवर्ती है इसने भी डी बताया है, हेमराज डी, गीता देवी आपका गलत है, बी नहीं आएगा इसका आंसर, मोहम्मद आसिफ तुम्हारा भी सही है, और शुभम पंडित नंबर ऑफ नहीं ये, अच्छा हाँ बिल्कुल यस, ये बात तुम्हारी सही है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल हुमिड वेदर में ही, यानी आर्द्र वाले मौसम में ही आपका कोरोना सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो लाइव टेस्ट चल रहा है, उन्हीं क्वेश्चनों को देखना बाद में जो तुमसे नहीं हुई, उन्हीं पर रिसर्च करना बस। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
ट्रांसमिशन लाइन है उसका कंडक्टर है, ठीक है, उसमें क्या है जो करंट है ना वो सरफेस पर से ज़्यादा बह रही है और अंदर बह रही है कम, तो कहता है ये कौन सा इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट, कोरोना, फेरेंटी और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, 105। तो 105 में अधिकतर लोग, 105 तुम्हारा गलत है भाई, 105 में कौन है ये 105 में, अभी सी जिनने बताया था उनका गलत है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था, हेमराज गुजर तुम्हारा गलत है बेटा, सी नहीं आएगा इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है उसमें सरफेस पर करंट ज़्यादा है और अंदर कम है, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता है। अब देखो यस, अब हम बात करेंगे 104, एक मिनट 10, ये 104 की बात हम कर रहे हैं। तो देखो 104 क्या है, यस 104 क्वेश्चन ये है, कंजर्वेटर टैंक का फंक्शन क्या है, कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफॉर्मर में क्या करता है। तो आपको पता है मेन टैंक में अगर ऑयल ज़्यादा है तो वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा, और अगर मेन टैंक में कम है तो आपका कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल इन टैंक, तेल टैंक में तेल के फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करना, यानी आंसर क्या आएगा, सी आएगा, डन और नो डन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की, 103। अच्छा ये जो 103 क्वेश्चन आराम से देख लो, यूनिट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज मस्ट बी, ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो कौन इसका आंसर जल्दी बता रहा है, यस कौन इसका आंसर जल्दी बता रहा है, ये देखो यूनिट ट्रांसफॉर्मर वाला, जो आंसर सही बताएगा 103 है यूनिट ट्रांसफॉर्मर, जो इसका आंसर सही बता रहा है समझो सिलेक्शन के पास है वो। अब ये देख लो वेरी इंपॉर्टेंट है, 103 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज के लिए। हाँ बताएं क्या है इसका आंसर, हाँ यस विकास वर्मा ये है। चलिए अब हम आपको दो बातें बता देते हैं, ये यूनिट ट्रांसफॉर्मर है, पहली बात तो हम इसका कल सोल्व करवाएंगे दोबारा, क्यों कल सोल्व करवाएंगे, अभी हमने इसे सोल्व किया था तो अब हम नेट पे सर्च किया था तो आंसर कुछ और आ रहा है, और ये जो बोर्ड है इसने आंसर इसका कुछ और माना है। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का जो ITI में टीचर का पेपर होता है उसमें इसका आंसर माना है सी, यानी 24 KV, डन और नो डन। नेट पर कई जगह 400 KV भी इसका आंसर दे रखा है, वेरी। तो इस क्वेश्चन को हम कल, जो समस्या वाले क्वेश्चन होंगे इस पेपर के उसमें हम कल इसको डिस्कस करेंगे। आप नेट पे सर्च करें, जो दीक्षित तुम आंसर बी बता रहे हो भाई, तुम्हारा तो सब किसी भी तरह से सही नहीं है। तो यूनिट ट्रांसफॉर्मर नेट पर कई जगह 400 KV दे रखा है और जो बोर्ड ने इसका आंसर 24 KV माना है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जलज मिश्रा सुना है सर, तो भाई हाँ जलज मिश्रा मैं भी ट्रांसफॉर्मर में अपने आपको विशेषज्ञ मानता हूँ, पर एग्जाम में मिला था वैसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना बोर्ड ने इसका आंसर 24 माना है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर तो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर होता है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न बराबर होते हैं। अच्छा ये क्या नाम है, सचिन शर्मा, बिल्कुल तुम्हारी बात से मैं भी सहमत हूँ, नेट पर इसका 400 KV दे रखा है, लेकिन भाई बोर्ड तो मैं नहीं हूँ, बोर्ड ने 24 माना है इसका। चलिए अब उसके बाद में हम बात करेंगे, यस 102 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, यानी कि अब हम बात करेंगे 102। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सेकेंडरी कोयल है ना उसमें ज़्यादा टर्न है प्राइमरी से, भाई सेकेंडरी कोयल है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी कोयल में ज़्यादा टर्न है प्राइमरी से, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, ओबीएस सी बात है, टर्न ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा मतलब स्टेप अप। चलिए अब हम बात करेंगे 101, नॉर्मल स्टूडेंट 101 का आंसर नहीं कर सकता। कहता है कौन से ट्रांसफॉर्मर का साइज लार्जेस्ट होगा, देखो सब में रेटिंग 1 KV है, तो रेटिंग को तो आप छोड़ ही दो, सब में रेटिंग 1 KV है, अब फ्रिक्वेंसी पर फोकस करो आप, 25, 50, 60 और 100। तो कहता है लार्जेस्ट कौन से ट्रांसफॉर्मर की साइज ज़्यादा होगी, 101 में बताएं आप क्या होगा, 101, हाँ तो 101 बताएं क्या बता रहे हैं आंसर, ए दीपक वर्मा ए, अमित विनोद माली तुम्हारा गलत है, जलज मिश्रा का ए सही है, और अक्षय का ए, हंसराज ने ए, दीपक सीताराम सचिन तुम्हारा गलत है, ये दीक्षित ए, और इसके अलावा पिंटू ए, हेमराज ए, यस। तो 100% इसका आंसर ए ही आएगा, आपको ये ध्यान रखना है साइज और फ्रिक्वेंसी आप एक तरह समझें इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी साइज क्या होगी, कम होगी, और जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी साइज क्या होगी, ज़्यादा, यानी इसका आंसर ए आएगा। आप केवल ये ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हो,
अब देखो 100 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, बढ़िया है, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस एट हाफ फुल लोड एज कंपेयर टू कॉपर लॉस एट फुल लोड, इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, आंसर करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यस यस, अब देखो देखो मैं 100 नंबर क्वेश्चन बता देता हूं, इसका आंसर सी भी नहीं होगा और इसका आंसर बी भी नहीं होगा, इन्हें तो हटा दो। अब देखो दो ऑप्शन है, एक तो फोर टाइम और एक वन फोर्थ, तो कई बार क्या है हम जल्दी के चक्कर में इस क्वेश्चन को दे बैठते हैं, और तुम बता यार एग्जाम के लिए तो भाई एक नंबर भी तुम्हें एक साल बढ़ा सकता है कंपटीशन की। अब देखो क्या कह रहा है, ये कहता है ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस क्या होगा हाफ लोड पर, ठीक है, एज कंपेयर टू फुल लोड। अरे तो भाई हाफ लोड पर कॉपर लॉस वन फोर्थ होगा, तो जल्दी में अगर तुमने फोर किया एक नंबर गया, और एक नंबर मतलब एक साल बढ़ गई कंपटीशन में। अब देखो तो इसका आंसर डी आएगा। अब देखो 99, अगर विकास वर्मा मेरे को, विकास चौधरी मेरे को सुन रहा है, तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। 99 क्वेश्चन क्या है, एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट वन कब होगा, मतलब वन आउटपुट के लिए इनपुट क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखो दोबारा देखते हैं, एंड गेट है, बढ़िया है, एंड गेट का आउटपुट वन होगा जब ए इनपुट दोनों आपके क्या होंगे, तो देखो 0, 1, 2 और 3। तो देखो तुम्हें पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना तो 2 होता है ना 3 होता है, तो दो ऑप्शन बचे, एक ए और एक बी, यानी 0 और 1। तुम्हें पता है एंड गेट का आउटपुट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई, तो अगर ए और बी दोनों 1, 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, यानी आंसर क्या आएगा बी। तो एक बार बताना आंसर रेगुलर कौन सा ही करा, नहीं ध्यान रखना भाई ये मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम बात करेंगे 98, देखो 98 का आंसर बताएं, निब्बल किसके इक्वल होता है, निब्बल में कितनी बाइट होती हैं, 1, 2, 4 और 8। तो देखो ये यस, तो निब्बल में, हाँ सचिन शर्मा गलत है बेटा तुम्हारा, ये क्या नाम आयुष तुम्हारा भी गलत है, और इसके अलावा ये चक्रवर्ती है ना, इसका 4 सही है, विनोद माली तुम्हारा भी गलत है। तो देखो देखो निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो एक बिट तो होती नहीं, ये गलत है, दो बिट भी नहीं होती, ये भी गलत है। अब दो ऑप्शन है 4 और 8, तो ध्यान रखना निब्बल है इसमें कितनी बिट होती हैं आपकी, 4, यानी आंसर सी आएगा। डन और नोट, आप उन्हीं क्वेश्चनों को याद रखना जो आपके गलत हैं, और कोई क्वेश्चन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम 97 की। अब देखो 97 क्या है, कहता है 4 बिट है, 4 बिट से आप मैक्सिमम कितना मतलब नंबर लिख सकते हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 4 बिट से पहली बात तो हाईएस्ट जो नंबर लिखा जा सकता है वो क्या लिखा जा सकता है, हाँ बताओ, 4, 7, 15 और 16, बताइए क्या आएगा आंसर इसका। अच्छा सचिन तुम्हारा गलत है, 16, बिल्कुल गलत है तुम्हारा, और ये इसके अलावा ये क्या नाम है, ये सुभाषीष पंडित ने 15 बताया है, अच्छा सुभाषीष, विकास वर्मा ने भी सी बताया है, जलज 16 हो सकता है, गलत है मिश्रा जी आपका, इसके अलावा अमित तुम्हारा भी गलत है, 61 गलत है, 97 में डी जो बता रहे हैं गलत है, दीक्षित तुम्हारा तो बिल्कुल गलत है, क्लीन बोल्ड हो तुम तो, और इसके इस क्वेश्चन में ये गलत तुम्हारा, ये आयुष और अक्षय श्याम सुंदर तुम्हारा सही है, मिश्रा जी ने अब की बात ठीक किया। यस, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, इस क्वेश्चन पर मैं एक मिनट बोलूँगा। देखो तुमको याद होना चाहिए 8421 कोड आपको याद होना चाहिए। अब मैं ये 4 बिट हो गई, इन चारों के नीचे मैं एक एक लिख देता हूँ, तो कितना हो गया 8, 4, 12, 13, 14 और 1, 15, तो इन 4 बिटों से मुझे मैं 15 तक ही हाइएस्ट लिख सकता हूँ। अच्छा डिजिटल में मुझे 16 लिखना है, तो देखो 1, 2, 4, 8 और 8 का डबल हो गया 16। अब अगर मुझे 16 लिखना है तो इस बिट को मुझे 1 मानना पड़ेगा और सारी बिट मुझे क्या माननी पड़ेगी 0, तो कितनी बिट हो गई 1, 2, 3, 4 और 5। अगर मुझे 16 लिखना है ना तो मुझे 5 बिट मेरे पास होनी चाहिए, अगर मुझे 15 तक लिखना है तो मेरी 4 बिट से ही काम हो जाएगा, कैसे 8, 4 देखो 2, 1 मैं इन्हें 1, 1 कर देता हूँ तो कितना हो गया 15, तो 4 बिट से हाईएस्ट 15 लिखा जा सकता है। इसकी दूसरी टेक्निक क्या है, 2 की पावर 4, 16 हो गया -1, यानी 15 तक आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 96 का आंसर बताएं, जिसका बेस 16 होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो बताएं क्या आएगा आंसर 96 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ बताएं इसका आंसर बताएं आप, जिसका बेस 16 है उसका क्या होगा। तो देखो तुम्हें पता है डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का 2,
ऑक्टल का 8, तो भाई 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल का। डी आंसर सही है। अब देखो 95 देखें आप, कहता है कौन सा गेट इन्वर्टर कहलाता है, कौन सा गेट इन्वर्टर कहलाता है, एंड और नॉट और नैंड। तो देखो इन्वर्टर का एंड से कोई संबंध नहीं है, नैंड से नहीं है, और से नहीं है। क्या आएगा आंसर आपका? डी, यानी कि नॉट गेट। चलिए 94 देखो, ये 94 देखें आप, ये क्वेश्चन जल्दबाज लोग गलत कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर को गर्म कर रहे हैं, बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी, बताएं। 94 आराम से टाइम है आपके पास में, 94 बताएं। हाँ यस, सेमीकंडक्टर को गर्म कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? तो देखो सेमीकंडक्टर हेमराज, अच्छा डी बता दिया, हो गया। अब ये बताओ तुम तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा हीट का? तो देखो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है। आंसर ए आएगा, डन और नॉट डन। अब देखें आप 93, ये इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 93 की, तो आप बताएं 93 का आंसर क्या होगा। 93 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 भाई तुम्हें पता है पी और एन जंक्शन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पी एन और एन जंक्शन, पी और एन को एक साथ रखेंगे तो डायोड बन जाएगा, और डायोड से क्या होता है रेक्टिफिकेशन, और क्या नाम है आपका, रेक्टिफिकेशन के अलावा कंडक्टिंग एम्पलीफिकेशन। तो बताओ पी और एन को अगर एक साथ जोड़ दे तो डायोड बनता है, और डायोड बनता है तो उससे क्या होता है, बताओ जल्दी आंसर। 93 में ए बता रहे हैं अक्षय, आयुष ए, रेक्टिफिकेशन सही है, दीक्षित का ए, ध्यान रखना कौन लगातार कर रहा है आंसर, दीक्षित का ए है, गिरिराज का भी ए है, विकास ए, दीपक, सचिन, श्याम सुंदर, तो निश्चित ही भाई इसका आंसर ए आएगा, डन है। अब बात करते हैं हम 92 की, इस क्वेश्चन का आंसर वही बता सकता है जो जानता है, आधे लोग नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देख लो, कहता है एलईडी की करंट रिक्वायरमेंट क्या है, एलईडी की करंट रिक्वायरमेंट देखो, तो एलईडी की आपको करंट रिक्वायरमेंट बतानी है कि एलईडी की करंट रिक्वायरमेंट क्या है। 1.7 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 65 मिली एम्पियर, बिटवीन 3 एंड 35 मिली एम्पियर, बताओ क्या होगा? यस यस इसका आंसर, दीक्षित तुम श्योर नहीं हो, अच्छा तुम यार क्या नाम है दोबारा रिफ्रेश करो जिनको प्रॉब्लम आ रही है। अंकित गलत है, जलज गलत है, जलज मिश्रा जी, गीता देवी तुम्हारा आंसर सही है, गिरिराज तुम्हारा गलत है। तो ध्यान रखना ये, अब ये रेक्टिफिकेशन बेस्ड है, तुम कितना ही जानते हो एलईडी के बारे में लेकिन ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, डी का मतलब डायोड, ये एक पीएन डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ध्यान रखना मुझे एलईडी सब पता है लेकिन यही क्वेश्चन नहीं पता बस। तो ध्यान रखना एलईडी करंट रिक्वायरमेंट है 3 से 3.5 मिली एम्पियर, ये गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है राजस्थान का, और दोबारा भी तुम्हें किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। अब उसके बाद में ये 92 हो गया, अब उसके बाद में हम बात करेंगे 91। देखो आपको फुल फॉर्म बतानी है सीआरओ की, तो ये तो ये सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो सभी को पता है सी का मतलब कैथोड, तो ये दोनों गलत हैं, सी का मतलब कैथोड, कैथोड रे ओसिलोस्कोप। हाँ लेकिन तुम्हें शोर नहीं थी ना दीक्षित, मैंने तो इसलिए बोला कैथोड रे, कैथोड रे भी दोनों में है, रे दोनों में है, लेकिन ओ का मतलब ओसिलोस्कोप होगा ना कि ओसिलेटर, आंसर बी आएगा। अब हम बात करते हैं ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोरम फैक्टर आपको बताना है क्या होगा। तो फोरम फैक्टर का आंसर बताएं भाई, देखो फोरम फैक्टर का आंसर बताओ क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोरम फैक्टर, फोरम फैक्टर क्या होगा? तो कई बार एग्जाम में आता है सिंपल है, हाँ फोरम फैक्टर क्या होता है, तो ओबियस सी बात है आरएमएस वैल्यू अपॉन में क्या होगा एवरेज वैल्यू, हाँ आरएमएस अपॉन एवरेज, इनमें से ऑप्शन बताओ आप, आरएमएस अपॉन एवरेज। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं इसमें पीक वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो गया, इसमें पीक वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देखो तुम ध्यान रखें आरएमएस वैल्यू ज़्यादा होती है और एवरेज होती है कम, तो ध्यान रखना ये पहले तो आपको बताना चाहिए मीन का मतलब ही एवरेज होता है, जैसे एक स्टूडेंट लिखा था आरएमएस अपॉन एवरेज, लेकिन ध्यान रखना मीन का मतलब ही एवरेज होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा ए आरएमएस अपॉन एवरेज। उसके बाद में 89, यस 89 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक मिनट स्क्रीन पर ला रहे हैं, 89 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर है, मैंने नहीं बनाया पेपर। कहता है आई वन है 10 sin ωt π/3 और यहाँ π/4 है, अब आपको बताना है फेज डिफरेंस क्या होगा, आराम से सोच लो, नॉर्मल स्टूडेंट ये आंसर नहीं कर पाता, तुक्के से सही हो जाए वो अलग बात है। 89 में आप जलज मिश्रा ने जलज मिश्रा क्या कर रहे हो, इसके अलावा जलज मिश्रा 20, अरे जलज मिश्रा 89 देखो 89 89 दीक्षित
हाँ नहीं 89 आपको बताना है दीक्षित, और इसके अलावा ए बता रहे हैं हंसराज, ठीक है आयुष ने ए, ये अंकित ए, दीपक ए, अमित, श्याम सुंदर लगातार कनेक्टेड है, अब वो लोग जा रहे हैं ना जो लगातार कनेक्टेड है, गीता देवी लगातार कनेक्टेड है, ये तुम्हारा टेस्ट है। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये प्लस, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ लोगों को क्या समस्या आ रही है, पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री होता है और पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री, यानी एक एंगल 60 है और एक एंगल क्या है 45 है, डन और नो डन। अगर ये दोनों प्लस होते, मान लो प्लस होते ये, तो ये आपस में माइनस होते, अगर ये दोनों जो साइन है ये माइनस होते तब भी ये एक दूसरे में से घटते, लेकिन अगर अपोजिट हो तो ये एक दूसरे में ऐड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 60 और 45, इसका आंसर आएगा 105, यानी 105 आएगा, यानी आंसर आएगा ए, इसका आंसर ए आएगा। अब हम आपको दोबारा बता देते हैं हमने कहा क्या है, हम ये कह रहे हैं, हम कह ये रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों साइन प्लस होते तब भी 60 डिग्री और 45 डिग्री माइनस होता, अगर ये दोनों साइन माइनस होते तब भी ये एक दूसरे से माइनस होते, मतलब वैल्यू घटती, लेकिन अगर अपोजिट साइन हो प्लस माइनस या माइनस प्लस तो ये दोनों ऐड होता है। 89 में ए आएगा 105। मिश्रा जी क्या कहते हो, जूम नहीं था इसलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं मिश्रा जी, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 89 है, इसके बाद में 88, ये देखो 88 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल स्टूडेंट आंसर सही नहीं कर सकता, क्यों, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आराम से पढ़ लो। यस अब देखो क्या क्वेश्चन है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा एकदम, हाँ यस हाँ अब दिख रहा है, एक लाइट का बल्ब है, पावर तो 100 वाट है और वोल्टेज 200 वोल्ट है, आपको करंट बतानी है। अब आप बताएं करंट क्या होगी, ये लाइट बल्ब है 100 वाट तो आपका पावर है और वोल्टेज कितना है आपका 200 है, आपको बतानी है कि भाई इसमें करंट क्या होगी। तो देखो अच्छा डन है लगा दीजिए, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं इसके आंसर डी आने की कोई संभावना नहीं है, इसका आंसर ए आने की भी कोई संभावना नहीं है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है वी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होता है पी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपका हमने 200 मल्टीप्लाई 200 किया और इसको डिवाइड किया 100 से, तो इसका रेजिस्टेंस 400 ओम आ रहा है, आप इस बात से सहमत होंगे कि इसका रेजिस्टेंस 400 ओम आ रहा है। अब हमने आज तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 200 और रेजिस्टेंस 400, 00 से 00 कैंसिल 1/2, यानी कि इसमें करंट 0.5 एम्पियर आएगी। हाँ आप इससे सहमत है कि इसमें करंट 0.5 एम्पियर है, टाइप करो 0.5 एम्पियर से, ऐसे तुक्केबाजी मत करो, इसका रेजिस्टेंस 400, हाँ ये भी सही बात है तुम्हारी, तो इसमें करंट ये बताओ 0.5 एम्पियर आ रही है नहीं आ रही, ये मनोज भाटी ने कहा कि भाई आप पावर अपॉन वोल्टेज कर दो, वो भी सही बात है, तो करंट इसमें 0.5 आ रही है नहीं आ रही, 0.5 आ रही, हेमराज ने 0.5, आयुष ने भी 0.5, अच्छा और ये चेतन ने भी 0.5 बताया है, मिश्रा जी तुम फिर 0.55 बता रहे हो। अब देखो तो मेरे आंसर इसका 0.5 आ रहा है, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है 0.55, अच्छा इसमें तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं, तो 0.5 के नियर कौन सा है बी, यानी बोर्ड ने इसका आंसर 0.55 माना है, तो गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है, एक्चुअल में आंसर इसका 0.5 आ रहा है, डन और नो डन, लेकिन आंसर की में क्या माना है 0.55। चलिए अब हम बात करेंगे 87 की, 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देख लो, देखो क्वेश्चन क्या है, यस 87 देख लो आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है, 87 बताएं, 87 कह रहा है एक सर्किट है इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, अभी मैं इस पेपर को सोल्व कर रहा था तो मैंने सोचा सर्किट में इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो मेरी जलज मिश्रा जी से बात हुई थी, इन्होंने मुझसे कहा था कि या तो इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों नहीं लगे हुए, अच्छा तो मैंने मान लिया कि सर्किट में मान लो इंडक्टर लगा हुआ है, भाई इस क्वेश्चन में मैंने क्या सोचा कि इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो मिश्रा जी से मेरी बात हुई, जलज जी ने कहा था कि भाई इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का मतलब दोनों में से एक लगे हुए हैं, तो मैं मान लेता हूँ इंडक्टर लगा हुआ है, अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो फेज डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज और करंट में, तो तुम्हें पता है चाहे इंडक्टर चाहे कैपेसिटर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, तो देखो 360 गलत है, 180 गलत है, 45 डिग्री गलत है, तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री, डन और नो डन। चलिए तो कितने नंबर क्वेश्चन था ये, 87, एक मिनट ये इधर टच हो गया था, अब हम बात करेंगे 86, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये 86 क्वेश्चन है, जो जो जिसका आंसर जल्दी आएगा
ये समझो काफ़ी इंटेलिजेंट है वो, गवर्नमेंट एग्जाम के पास है, जल्दी बताएं। अच्छा 86 की बात चल रही है, 86 तो बताएं 86 में आंसर क्या होगा। तो देखो हाँ बताएं 86 का आंसर क्या होगा। तो देखो ये यूं कहता है, मैं अपने पन्ने पर लिख रहा हूँ और आप भी लिखो कि भाई एक साइकिल को कंप्लीट करने में आपका क्या लग रहा है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 1 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। मैंने भी साइकिल बना ली है, आप भी बना लो। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड का मतलब है 1/1000 सेकेंड। अब तुम्हें पता है ये टाइम है एक साइकिल का, तो आपको पता है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी इनवर्सनली प्रपोर्शनल होते हैं। तो एफ बराबर 1/T होगा, तो चलो फ्रिक्वेंसी बराबर 1/T, टी के स्थान पर रख दिया मैंने 1/1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 1000 हर्ट्ज, यानी इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, इसका आंसर डी होगा। डन और नॉट डन, दीक्षित ने इसका आंसर डी बताया था क्या? यस दीक्षित ने डी बताया है, ये गलत है। अच्छा इसके अलावा मनोज भाटी ने डी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं 85 क्वेश्चन की, तो पहले आप क्वेश्चन देख लो 85, एकदम बढ़िया 85 क्वेश्चन देख लें आप। यस कोई बात नहीं, देखो पूरा पेपर कंप्लीट करवाएंगे, लोग लगातार मतलब लाइव से हट रहे हैं, ध्यान रखें जिनके अंदर धैर्य नहीं है कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। सिलेक्शन के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, कहीं नौकरी नहीं बट रही है, नौकरी खुद के कर्मों से मिलेगी। हाँ 85 क्वेश्चन है, अब देखो 85 क्वेश्चन में कहता है वो कि जो आपका मीन वैल्यू है, यानी कि जो आपका एवरेज वोल्टेज है वो 28 और √2 / π है, ठीक है। तो आपको RMS वोल्टेज वो पूछ रहा है कि RMS वोल्टेज क्या होगा, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का। इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। यस ये हो गया आपका, यस यस कैमरे पे हम आ जाते हैं, ये हमारा कैमरा हो गया। यस इसके अलावा फ़ोटो और ये आपका, हाँ ये देखो ये दिख रहा है, यस ये आपका क्वेश्चन देखें आप, 85 नंबर क्वेश्चन है ये, देखो 85 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपको पता है एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 2V maximum / π, और उस क्वेश्चन में दे रखा था एवरेज वोल्टेज 28 √2 / π, एकदम बढ़िया देख लें। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 14 टाइम, यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपका, अच्छा अब ठीक है, जैसे एक मिनट अब ठीक आ रहा, देखो ठीक नहीं आ रहा, अब ठीक आई होप अब, यस एक मिनट और चलिए। तो आप देख आपकी उसकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो यानी कि ये आ रहा है आपका मैक्सिमम वोल्टेज 14 और √2 आ रहा है। अब आपको पता है RMS वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज / √2, तो 14 / √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ गया, 14 वोल्टेज आ गया। धैर्य रखो, कोई शादी में नहीं आया हो तुम मेरी में कि तुमको नाश्ता पसंद नहीं आया तो मेरी बुराई करोगे, आराम से देखो एवरेज वोल्टेज होगा 2V maximum / π, ये फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला है एवरेज वोल्टेज का। तो पाई से पाई कैंसिल, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया 14 और √2। अब RMS वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम / √2, तो √2 से √2 कैंसिल, आपका जो RMS वोल्टेज है 14 वोल्टेज हो गया। अब देखो अब हम दोबारा लौटते हैं उसी क्वेश्चन पर, अब देखो यस अब हम आपको दो इसका आंसर क्या आएगा, 14 वोल्ट। यस यस अब देखो मेरे भाई मैं आपको दो बातें बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फुल वेव रेक्टिफायर नहीं लिख रखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्मूले लगाने हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले एवरेज का भी और RMS का फुल वेव रेक्टिफायर का लगाया था। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में फुल वेव रेक्टिफायर नहीं दे रखा, लेकिन दोनों फॉर्मूले मैंने किसके लगाए थे, फुल वेव रेक्टिफायर के। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होगा 2V maximum / π, 2V maximum / में क्या होगा, पाई, और RMS वोल्टेज का होगा V maximum / √2। चलिए आपको टोल रेट तो करना पड़ेगा। अब 85 अब हम बात करेंगे 84। अब देखो 84 ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है एकदम। देखो ये क्वेश्चन है आपका 84। यस क्या प्रॉब्लम हो गई, 84 अच्छा उसमें प्रॉब्लम है, हाँ 84। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 84 का आंसर बताएं आप क्या होगा। E1 और E2 इस तरह से लिख रखे हैं, E1 ए साइन ओमेगा टी है और E2 आपका है ओमेगा टी -थीटा। जो जिम सी, हाँ ये जो 84 है
उसका आंसर जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है, समझो गवर्नमेंट एग्जाम के पास है, तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका। 84 में बी बता रहे हैं मिश्रा जी, अमित बी, जलज ने फिर भी बताया है, श्याम सुंदर ने बी, ठीक है, अमित ने फिर भी बताया है, हाँ, तो 100% इसका जो आंसर है वो बी ही होगा। अच्छा 84 भाई माइनस है ना, तो आपका E2 पीछे होगा, किससे, E1 से। राजस्थान के जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आपका माइनस है, इसका मतलब E2 पीछे है, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट है, E2 आपका क्या होगा, पीछे होगा, डन और नो डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 83, ये 50 मतलब अभी ये मान लो 20 मतलब ये 50 तक क्वेश्चन है टोटल, हाँ बताएं, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर है ये राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम का। अब देखो क्वेश्चन क्या है 83, ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट जो बताएगा वो, ये समझो गवर्नमेंट नौकरी के पास है, 83 का आंसर डायरेक्ट नहीं कर सकता कोई भी, ध्यान रखना। देखो कहता है नेचर ऑफ इफिशियंसी कर्व डीसी मशीन में क्या होता है, ये डीसी मशीन है और उसमें जो इफिशियंसी है उसका जो कर्व है उसका नेचर क्या होता है, फर्स्ट घटता है तब पड़ता है, फर्स्ट घटता है फिर घटता है, देखते हैं कौन इसका आंसर डायरेक्ट बता पाता है 83 का, 83 का आंसर देखते हैं कौन डायरेक्ट बता रहा है, किसी ने बताया डायरेक्ट, बी बता रहे हैं वो तो गलत है, घनश्याम तुम्हारा बी गलत है, संतोष तुम्हारा भी गलत है, कमल तुम्हारा भी गलत है, महावीर तुम्हारा भी गलत है, हेम राज गुर्जर तुम, श्याम सुंदर तुम्हारा भी सही है, तुमने दिया होगा वो मुझे लगता है जूनियर इंस्ट्रक्टर वाला पेपर, और सीताराम सैनी डी, तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा डी। और जैसे 83 है आज मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, कल जिन जिन क्वेश्चनों में हमें परेशानी होगी उनका कंक्लूजन हम करेंगे, तो 84 है हाँ, और कमेंट में बता देना कौन कौन से क्वेश्चन को अपन को कंक्लूजन में रखना चाहिए। 83 है इसका आंसर आएगा डी, कि आपका जो इफिशियंसी कर्व है पहले तो बढ़ेगा और बाद में घटेगा। जलज मिश्रा तुमने ये आंसर नहीं किया था 83, ध्यान रखें 83 किया था डी, गलत था, चलो ठीक है। दीक्षित तुम्हारा अगर डी कॉन्फिडेंस से है तो फिर ठीक है। चलिए अब हम एक मिनट, अब बात करते हैं हम 83, यस 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो पेशेंस बनाए रखें, ये टेस्ट चल रहा है लाइव। 83 चलो 83, जिन लोगों 82 नंबर क्वेश्चन है ये देखो, ये 83 नंबर क्वेश्चन, अभी मैं जब इस पेपर को सोल्व कर रहा था तो 82 मेरा भी गलत था, आप आराम से पढ़ें 82, इसमें केवल एक छोटा सा है, देखते हैं क्या कौन आंसर बता रहा है। द हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी मशीन लिस्ट डिपेंड ऑन, अच्छा देखो दीपक है कि नहीं लाइव, नहीं है दीपक वर्मा, नहीं है ना विकास चौधरी, विकास वर्मा देखो वो लाइव है कि नहीं, विकास वर्मा आया है, अब नहीं है, तो ध्यान रखना कौन कौन नहीं, जैसे दीपक वर्मा गायब है कि नहीं है, दीपक वर्मा गायब है, दीक्षित कंटिन्यूस है, जलज भी कंटिन्यूस है, दीपक वर्मा हाँ बिल्कुल आ गए छोरा, ध्यान रखना है दीपक, ध्यान रखना कौन कौन नहीं उसका ध्यान रखना। अच्छा तो बताओ भाई इसका आंसर क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है, मेरी से क्या गलती हुई थी इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में, जलज मिश्रा ने क्या बताया इसका आंसर 82 में बी, मिश्रा जी गलत है आपका, मिश्रा जी ने भी बताया ना हाँ गलत है, दीक्षित बेटे ने जेवी गुप्ता रट रखी है याद है, जलज तुम्हारा गलत है बिल्कुल, और हाँ अजीत भी आ गया है, सीताराम यस। अब देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या है 82, पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस है ना वो सबसे कम किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन था, तो भाई आपका हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे तो निर्भर करता है, ए तो इसका आंसर आएगा नहीं। अच्छा फिर देखो बी, आपको पता है हिस्टेरेसिस लॉस फ्लक्स डेंसिटी पे भी निर्भर करता है, यानी बी भी इसका आंसर नहीं होगा, वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है, ये कह रहा है सबसे कम किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर डी आएगा। जलज मिश्रा तुम्हारा जल्दबाजी के कारण गलत है, ये ध्यान रखना, तो ये कह रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम किस पर निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं 81, आराम से देख लो क्वेश्चन क्या है, कहता है डीसी सीरीज मोटर है उसको हम 220 वोल्टेज से कनेक्ट किया है, हमने 230 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर से कनेक्ट किया है, हमारी डीसी सीरीज मोटर थी उसको डीसी सीरीज मोटर को हमने 230 वोल्टेज एसी से हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या रिजल्ट होगा ये आपको बताना है 81 में, तो देखो कौन बता रहा है आंसर, अच्छा धनराज भी आ गया है आज, विकास वर्मा है, विकास वर्मा भी है, ध्यान रखना मतलब कौन कौन रेगुलर थोड़ा सा ना, तो देखो 230 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर को अगर 230 वोल्टेज हम एसी से कनेक्ट कर देंगे तो मोटर स्मूथली चलेगी ये तो संभव ही नहीं है, मोटर रुक जाएगी ऐसा भी नहीं है, मोटर जड़ जाएगी ऐसा भी नहीं है, मोटर चलेगी तो सही लेकिन कम इफिशियंसी के साथ। अब देखो अब क्वेश्चन है 80, अब ये जो क्वेश्चन है ना तुक्के से अगर आपका सही हो जाए तो बात अलग है, इस क्वेश्चन के सही होने के दो कारण हैं, या तो आपका तुक्के सही होगा ये आपने पढ़ रखा है,
तुमने कितनी भी मोटर पढ़ रखी हो, ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट नहीं आ सकता कि स्मॉल डीसी मोटर है 5 horsepower तक, तो आपको बताना है कि उसमें कितने पोल होंगे। बताएं आंसर क्या होगा इसका, ए टी में आंसर क्या होगा, क्या बता रहे हैं अधिकतर लोग, विकास वर्मा ने ए बताया है। अच्छा विकास वर्मा है तो इसका आंसर आएगा 2 pole, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं आ रहा है ना, वो ध्यान रखना कि उन्होंने पेपर नहीं पढ़ रखे हैं 80। उसके बाद में हम बात करते हैं 79, ये प्रोग्राम 50 तक चलेगा, 50 तक फिर ये पेपर खत्म है। हाँ फिर आप बताओ 79 क्वेश्चन आपको बताना है। कहता है कि वाट विल हैपन इफ बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर वेन इज सडनली, डीसी मोटर है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो गया तो क्या होगा, आराम से साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपको बतानी है। अच्छा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है, अच्छा ये कहता है कि डीसी मोटर है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो गया है तो क्या होगा, तो क्या बता रहे हैं लोग अधिकतर, ए जो बता रहे गिरिराज यादव तुम्हारा गलत है, दीक्षित तुम्हारा भी गलत है भाई, दीक्षित पहली बार बोल्ड, ए गलत है, मिश्रा जी तुम राइट हो, सचिन भी राइट है, हेमराज, अक्षय, मनोज, यस। तो ध्यान रखें ये जो है आपका डीसी मोटर का अगर बैक, देखो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप समझ पाए तो, डीसी मोटर में जो करंट है ना वो होती है वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब मैंने वोल्टेज मान लिया 200 और बैक ईएमएफ 0, अब आपको पता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, मैंने मान लिया 0.1, तो वेरी हाई करंट फ्लो होगी, जैसे कि 2000 एम्पियर वेरी हाई करंट फ्लो होगी और उससे आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है, आंसर सी आएगा, डन और नॉट डन। 78 इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट जो करता है ये मान लो कि वो 1% में भारत की, देखो कौन कर रहा है इसका आंसर, डीसी सीरीज मोटर है, इसमें जो शाफ्ट टॉर्क है वो आर्मेचर टॉर्क से कम है, तो कौन सा लोसेज का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू वाला। अच्छा और ये क्या है महेंद्र, अच्छा महेंद्र ने सी बताया, इसका तो गलत है। अच्छा इसमें फिर अधिकतर फ्रिक्वेंसी किसकी है, अच्छा तो देखो देखो एक तो होता है धुन में धुन मिलाना, एक होता है तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस। मैंने 10-12 पेपर पास किए हैं इलेक्ट्रिकल से, डीएमआरसी में तो ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, बताने में देखो अच्छा लगता है इसलिए बता ही देता हूँ आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो डायरेक्ट आंसर कर पाए इस क्वेश्चन का, ये समझ लो टॉप 1% में भारत की हो, तो डीसी सीरीज मोटर है ठीक है, शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम है, इसका कारण है स्ट्रे लॉस, यानी इसका आंसर आएगा ए। 78 है उसका आंसर निश्चित ही क्या आएगा, ए, डन और नॉट डन। चलिए अब हम बात करते हैं 77 की, तो देखो 77 क्या है, कहता है ये देखो क्या नाम है, जो लोग गायब हो रहे हैं उनको ध्यान रखना कि भाई ये गायब हो गए ना। चलिए 77 देखो, मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है डीसी मोटर में, वो मैक्सिमम कब होगी, जब बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, तो बताएं आंसर क्या होगा। 77 आपके सामने क्वेश्चन है, अजय देखो अजय गायब हो गया क्या, अजय और उसके अलावा यस, हाँ बताएं आंसर क्या होगा इसका, यस यस हाँ बताएं भाई। तो आपको पता है अगर हमारा बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज का अगर हाफ हो जाए तो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप मैक्सिमम होगी। अब ये क्या पूछ रहा है, बैक ईएमएफ अपॉन में वोल्टेज, तो बैक ईएमएफ अपॉन वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, तो आपका 0.5 यानी कि बैक ईएमएफ और अप्लाई वोल्टेज का रेशियो जब 0.5 होगा तो आपकी मैकेनिकल पावर डेवलप होगी वो मैक्सिमम होगी। चलिए अजय गायब है ना, अजय और यस संतोष बिश्नोई देखो दोनों गायब है। अब बात करते हैं हम 76 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 76, देखो क्या है, कहता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है भाई मैंने नहीं बनाया, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है, तो जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखें एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटर, एसी जनरेटर है इसका, हाँ आपको बताना है एसी जनरेटर का मतलब तो अल्टरनेटर, तो आपको पता है एसी जनरेटर में होती है स्लिप रिंग और डीसी जनरेटर में क्या होता है कम्यूटेटर, यानी 76 में क्या आएगा डी, आंसर बिल्कुल डन है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं 75 संतोष, हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, मैं सोच रहा था गई, अब बात करते हैं हम 76 की 75, ये कहता है फ्लक्स तो कॉन्स्टेंट है और हमने डीसी जनरेटर की स्पीड को डबल कर दिया है तो जनरेटेड ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं आंसर 75 का। 75 अब देखो
देखो भाई मैं आपको प्रेम भाव से बता देता हूँ, आपको पता है स्पीड है ना वो प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ की, यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। अब इसने कहा है फ्लक्स तो कांस्टेंट है तो छोड़ दो, तो स्पीड किसके, सॉरी ये मैंने सही नहीं बताया, मतलब स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होता है जनरेटेड वोल्टेज की, बी केयरफुल, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है जनरेटेड वोल्टेज की, अगर स्पीड डबल तो जनरेटेड वोल्टेज भी क्या होगी डबल, यानी 75 में आंसर क्या आएगा, 75 का आंसर होगा आपका ए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा जो लोग लाइव से हट रहे हैं, मान लो धैर्य नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी भाई, गिफ्ट थोड़ी चल रहा है नौकरी। अब बात करते हैं हम 73 क्या है, 73 हमने बताया थोड़ी है, 74 हाँ 74 पर कनेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे। डीसी जनरेटर में आयरन लॉस हो रहा है, तो आपको पता है आयरन लॉस का किस पर इफेक्ट पड़ता है, इफिशियंसी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर होगा ए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 73, कहता है फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट, तो पता है फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जल्दी बताएं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा ए, एकदम सिंपल है। 72 डायरेक्ट आंसर आप नहीं कर सकते, जो लोग तुक्कों से सही हो जाए तो अलग बात है, बाकी उसी का सही होगा जिसको आता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल और लार्ज, अब देखो कौन आंसर कर रहा है, अच्छा 72 है, डाया दीक्षित ने डी बताया है, और वो मिश्रा जी थे एक नहीं, जलज मिश्रा, और जलज मिश्रा का भी सही है, सचिन तुम्हारा गलत है, सी भी गलत है, और ये लेस देन वन ये भी सही है, और संतोष ने क्या बताया, संतोष तुम्हारा भी गलत है ए। तो ध्यान रखना आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी नेगेटिव आएगा इसका आंसर, डन और नॉट डन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है, ओबीएससी बात है कॉपर की, चर्चा की आवश्यकता नहीं है, 50 तक हमें चलना है, थोड़ा फास्ट। अगला देखो, डीसी जनरेटर है, इसका जो कॉन्स्टेंट लॉस है और वेरिएबल लॉस बराबर है, मतलब डीसी जनरेटर में आपका कॉन्स्टेंट लॉस का मतलब आयरन लॉस और वेरिएबल लॉस का मतलब कॉपर लॉस बराबर है, तो इफिशियंसी क्या होगी, तो आपको पता है इफिशियंसी क्या होगी भाई, डीसी जनरेटर में अगर आपका कॉन्स्टेंट लॉस और अगर वेरिएबल लॉस बराबर है तो इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम, यानी आंसर क्या आएगा सी। अब देखो, अब उसके बाद में हम चलते हैं 69, भाई धैर्य, नौकरी के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, हाँ 69 क्वेश्चन, अभी एक मिनट आपकी स्क्रीन पर आएगा, अभी ये थोड़ा दिख रहा है, हाँ यस, ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन, इसका नॉर्मल स्टूडेंट इसका आंसर नहीं कर सकता, गॉस लॉ है, ठीक है, इसमें अच्छा सतवीर सैनी भाई, ये एलडीसी में सेलेक्ट हुआ है मेरा भाई है ये सतवीर सैनी, यस, ये कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा, गॉस लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा क्लोज सरफेस पर गॉसियन लॉ के अनुसार, तो क्या बता रहे हैं लोग आंसर इसका, 69 क्या बता रहे हैं, अच्छा जिनो, यस आशीष गहलोत, अक्षय दीक्षित, तो वेरी इंपॉर्टेंट है 69, ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, जिनको ये आता है वो डन है, तो इसका आंसर आएगा डी का आंसर आएगा 0। दोबारा रिपीट कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना आपको, तो गॉस लॉ के अनुसार क्या होगा 0। अब देखो, अब हम बात करते हैं 68, हाँ भाई 68, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट होता है किसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अराउंड एग्जिट होता है, आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मूविंग चार्ज के, डायरेक्ट कौन बता रहा है इसका, ओह मिश्रा जी ने वोट दिया है, यस मिश्रा का भी सही है, ये दीक्षित का भी सही है, सुरेंद्र, यस, तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था, मैंने नेट पे सर्च किया है, मैग्नेटिक फील्ड है ये मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो उसके आसपास ही एग्जिट होता है, डन और नॉट डन, हमको 50 तक चलना है, काम जल्दी डन होने वाला, टेंशन ना ली, भक्कर तुम्हें कहाँ जाना है। देखो अब ये डायग्राम देखें, I2 ये भी इनकम है, I3 भी इनकमिंग है और I4 भी इनकमिंग है, यानी I2, I3 और I4 इनकमिंग है, तो ये तीनों एक साथ ऐड होंगी, जबकि I1 देखो I2, I3 और I4 तीनों इनकमिंग है और I1 और I5 आउटगोइंग है, तो इनकमिंग और आउटगोइंग को आप ऐड, तो I2, I3 और I4 देखो कौन से ऑप्शन में, डी में, और I1 और I5, तो आंसर इसका क्या होगा डी, अधिकतर लोगों ने डी किया था, अच्छा दिखा नहीं, ठीक है। अब बात, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, हम बात करेंगे 66 की, ये बताओ एकदम बढ़िया, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एलजेब्रिक सम आपको बताना है वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ नेटवर्क में किसके इक्वल होगा,
देखो मान लो मैंने नेटवर्क में 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अच्छा अब मैंने जूम कर दिया, अब आपको दिखेगा 66। एल्जेब्रिक सम, जैसे मान लो मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो ये जो 10 वोल्ट है ना इसका ड्रॉप इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगा। तो 10 वोल्टेज की बैटरी थी और 10 वोल्टेज का ड्रॉप होगा कहाँ, 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, 0। यानी आंसर क्या आएगा, डी। चलिए ये हो गया आपका 66। उसके बाद में हम बात करते हैं 65। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन देख लें फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ। 65 देखो आप, 65 क्वेश्चन क्या है, 70 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट है और रेजिस्टेंस है। एकदम देख लें, अब हम आपको ले चलते हैं सॉल्यूशन पर, धैर्य रखो, एकदम बढ़िया। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, एक मिनट, ये हो गया, एक मिनट, यही था इसका सॉल्यूशन, यस एक मिनट यस, इसका सॉल्यूशन ये है, यस एक मिनट और बैक लेते हैं, नोट नाउ, अरे बैक नहीं हो, एक मिनट ये है और बैक लेते हैं, यस एक मिनट ये है आपका, धैर्य रखना पड़ेगा, कोई तो मेरी शादी में नहीं आए हो, इसमें क्या बात है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन था इसका, ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका, एक मिनट जूम कर देते हैं, कहाँ गया, एक मिनट आपको पेशेंस, आपने फ़ोटो कौन सी खींची थी, एक मिनट यस ये है, और इसमें ये कौन सी वाली थी, ये वाला एकदम, यस एकदम, डायग्राम देखें ये आपको दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया, घबराने की बात नहीं। ये देखो भाई 70 वोल्ट की तो बैटरी थी और 5 ओम का रेजिस्टेंस था, एकदम बढ़िया, ये देखो जूम कर दिया है, 70 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का क्या था, रेजिस्टेंस, यस एकदम, और एकदम यस, अभी दिखेगा टेंशन ना ले। देखो जो आदमी क्या हो गया, अच्छा अब देखो ये वाला सीन है, 70 वोल्ट की तो बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया है इसे करंट सोर्स में चेंज कर दिया है। अच्छा अब देखो 70 वोल्ट है, एक मिनट यस, 70 वोल्ट और 5 ओम, तो आपको पता है ये 14 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा और 5 ओम इसके पैरल में आ गया। अब देखो 7 ओम पहले ही पैरल में लगा हुआ था, इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो 75/12 हो गया। अच्छा और रेजिस्टेंस पैरल में है, करंट 2 एम्पियर है और यहाँ 14 एम्पियर आपका है। अब देखो हमें क्या करना है, इस 14 एम्पियर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक तो ये वाले रेजिस्टेंस में और एक इसमें। तो देखो अब मैंने मान लिया 2 एम्पियर के स्थान पर आई, तो टोटल करंट कितनी है 14 एम्पियर, अगर यहाँ पर करंट चाहिए तो सामने वाला रेजिस्टेंस 34/12, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया, अब हमारी करंट कितनी थी 2 एम्पियर, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 17.5 ओम आएगा। तो आप समझ सकते हो यार, देखो धैर्य तो रखना पड़ेगा। चलिए अब वापस हम क्वेश्चनों पर लौटते हैं। चलिए यस, तो इसका आंसर आएगा 17.5, चलो ठीक है। अब 64 पर आते हैं, देखो कहता है किरचॉफ का जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, 64 देखिए आप क्या है 64, यस जूम, यस इतनी प्रॉब्लम, ठीक है 64 देखें आप, किरचॉफ का जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, चलो आंसर करें 64 का, एकदम 64, किरचॉफ का जंक्शन रूल है इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा 64 में आपका आंसर सी आएगा, यानी कि चार्ज, डन और नॉट डन, थोड़ा फास्ट। अब देखते हैं 63, अब देखो 63 क्या है, 63 ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब एक रेजिस्टेंस 100 ओम का है और टोटल रेजिस्टेंस भी 100 है, अगर इन्हें हम पैरेलल में कलेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बताएं आंसर क्या होगा, 100 ओम का रेजिस्टेंस है एक और 100 ओम को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है और टोटल रेजिस्टेंस भी 100 है, तो आंसर क्या आएगा 1 ओम, डन और नॉट डन। इसके बाद में हम बात करते हैं 62 की, कहता है देखो आराम से, मैंने एक चीज़ सीख ली है 5 साल होगी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल से तैयारी करते हुए, बिना धैर्य कुछ नहीं होगा, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना समझ लो वो बाहर है, जल्दबाजी में है, पता नहीं जैसे हिमालय की चोटी पर उनको परिक्रमा करनी है, भाई आराम से पेशेंस रखो। कहता है रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है, यानी आंसर क्या आएगा बी, सिंपल है कोई टफ बात नहीं थी। अच्छा ये एकदम आसान है, कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो सबको पता है ओम सेंटीमीटर, हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर, यानी आंसर क्या आएगा आपका सी, डन और नॉट डन। अब हम बात करते हैं किसकी, 60, ये देखो
ये देखो तीन है, एक रेजिस्टेंस टू ओर है, 2 ओम है, एक 4 ओम है और एक 5 ओम है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 20/19, ये ध्यान रखना इसका 20/19 आएगा, डन और नो डन। और हम इसका ट्रिक बता देते हैं आपको, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इसमें सबसे कम कौन है, 2, उससे भी कम आएगा, डन और नो डन। ये पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहे हैं, हो सकता है। अब हम बात करते हैं 59 की, ये देखो 59, अच्छा अब जैसे 59 का आंसर बताएं, 59 बताएं इसका आंसर क्या है, हाँ भाई 59 का बताएं कि ये कह रहा है कि लिस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा। अब देखो इन सभी में वोल्टेज तो 220 है, इसको तो आप रिमूव कर दो। अब देखो अब हम बात करेंगे पावर की, तो तुम्हें पता है बात चल रही है रेजिस्टेंस की, तो 1/P ये होता है R, 1/P क्या होता है, R होता है। अब हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम, तो रेजिस्टेंस कम चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, डन और नो डन। तो पावर ज़्यादा किसकी है, आपका 200 वाट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो मेरे भाई कोई भी पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे या 2 घंटे बैठना पड़ेगा, उतना धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, और नहीं है तो रहने दो। अब देखो दोबारा देखते हैं, लिस्ट रेजिस्टेंस आपको पता है 1/P है ना, यही तो होता है R। अब कहता है रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तो पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तो कौन सी पावर ज़्यादा है, 200 वाट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, ये देखो 58 क्वेश्चन किया, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है वैसे भी। कह रहा है 3 ओम के रेजिस्टेंस है, वो ट्राई एंगल में है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एनी 2 कॉर्नर ऑफ द ट्राई एंगल, तो बताओ आंसर क्या होगा, क्या रहा है। ओ तो अब जो लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, देखो भाई ये कहता है 3 रेजिस्टेंस है, तो देखो हमने मान लिया 3 रेजिस्टेंस है और प्रत्येक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो 2 रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे और उसके पैरेलल में हो जाएगा आपका 3, तो आपका 3 और 3 क्या होगा, 6 6 × 3 18/9, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 ओम, डन और नो डन। अब तो 8 क्वेश्चन ही बचे हैं, फिर मामला डन है। अब देखो 57 हाँ बताइए, स्टोरेज बैटरी है, उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, तो आपको मैक्सिमम करंट बतानी है। स्टोरेज बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 ओम, तो आपको करंट बतानी है, तो सीधा 12 को 0.4 से डिवाइड कर दो तो कितना एम्पियर आ रहा है, क्या बताया अधिकतर लोगों ने, डी, तो निश्चित इसका आंसर 30 एम्पियर आएगा। अब देखो अगला, देखो 56, 50 तक 6 क्वेश्चन और बचे हैं। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो यहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सिंपल है, बस ये लास्ट एपिसोड आ गया हमारा। यस 55 में कहता है कि 55 आपको पता है पावर 100 वाट है और वोल्टेज आपका कितना है, 200 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको पता है ये तो सोल्व हो जाएगा। आपको पता है पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको पता है पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, आर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आर, तो आपको पता है यहाँ वोल्टेज कितना है, 200, तो 200/200 / 100, तो आपका आ जाएगा 400 ओम। अधिक लोगों ने बताया, यस। अब बात करेंगे हम 54 की, कहता है 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, ये सीरीज में कनेक्ट होने पर रेजिस्टेंस 4.5 हो रहा है। अच्छा तो ओबियस सी बात है, ये मैंने इसको मैंने सोल्व किया, फिर मुझे पता लगा कि 4.5 तो केवल सी में ही आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर ही 4.5 आएगा। ये कह रहा है कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है और टोटल 4.5 है, तो ऐसा तो केवल सी ऑप्शन में ही है, डन और नो डन। अब हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की, 53। अब देखो 53 क्या है, एकदम बढ़िया 53, देखो कहता है एक नेटवर्क है, इसमें सोर्स लगे हुए हैं EMF के, एक या एक से ज़्यादा, तो वो नेटवर्क पैसिव है, एक्टिव है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये आपको बताना है, तो बताओ आंसर क्या होगा, क्या बता रहे हैं लोग इसका आंसर, अच्छा तो निश्चित ही इसका आंसर क्या आएगा, एक्टिव, हमारे पास सोर्स है ना EMF का, तो एक्टिव ही आएगा, डन और नो डन। इसके बाद हम बात करेंगे 52, तो देखो 52 क्या है, नहीं 52 है, इसमें कह रहा है कूलाम का लो है एंड ग्रेविटी फोर्स किसके समान है, तो देखो कूलाम का लो है और ओम के नियम का कोई लेना देना नहीं है, ए आंसर इसका नहीं आएगा, कूलाम के लो का और एम्पियर के लो का भी कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं आएगा इसमें, और किरचॉफ भी नहीं।
ध्यान रखना है कूलाम के लॉ में फोर्स में अपॉन में आता है डी स्क्वायर, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसमें भी वन अपॉन डी स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसका संबंध है आपके जो आपने इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें, इल्यूमिनेशन भी डी स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। डन और नॉट डन? अब हम बात करेंगे 51। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है, मुझे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन आप डिटेल में भेजें। और कब ये 51 है, इसका आंसर बताएं आप। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल? एक चार्ज तो है 2×10⁻⁷ और एक है 3×10⁻⁷ और दूरी है 30 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा। 51 इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को बताना है। यस, अब हम ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको हम 5 बातें बताते हैं। सबसे पहला, चाहे पेपर दे रहे हो, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप किसी टीचर को पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट धैर्य होना चाहिए। अब तक केवल वही लोग बने रहे हैं जिनके अंदर धैर्य है। अब तक लास्ट तक जो है ना, एक चीज़ उनके अंदर है, वो क्या है? धैर्य। नौकरी के लिए धैर्य चाहिए। अच्छा, दूसरा, मैंने इस पेपर में केवल क्वेश्चन आंसर बताए, आप उन क्वेश्चनों के नंबर नीचे कमेंट कर देना जिनको हमें कंक्लूजन में लेना चाहिए। और तुम कल कमेंट करो भले ही, और चाहे मत करो, जब भी इस 100 प्रश्नों में से कम 15 या 20 क्वेश्चन वो सेलेक्ट करूंगा जो मुझे बढ़िया समझाने चाहिए, जो मैंने नहीं समझाए। तुम क्वेश्चन नंबर लिख दो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है भाई, आप उन क्वेश्चनों को देखना जिसका आंसर आप नहीं कर पाए, जिन क्वेश्चनों का आप आंसर नहीं कर पाए केवल उन्हीं को याद रखें। चाहे 100 में से तुमने 90% तुम्हारे सही हो, इस कंपटीशन में कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन में उन 10 क्वेश्चनों का है जिनको जो आपको नहीं आई। अगली बात ये है यार, मैंने 10 गवर्नमेंट पेपर पास किए जनरल कैटेगरी से, मैं सोच रहा हूँ नेट पर बेस्ट किया जाए। अब मैं क्या करता, 5 क्वेश्चन DMRC के ले लेता, 5 क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो के, 5 क्वेश्चन SSC JEE के, तो खिचड़ी हो जाती। ये 100 क्वेश्चन है किसके हैं, राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन है ये 100 प्रश्न है। और ये जो ITI में टीचर होता है, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो बनता है, उसके लिए डिप्लोमा BTEC जो क्वालिफिकेशन होती है उसका ये पेपर था, ये ध्यान रखें। तो अपना रोज टाइम 9 PM पर ही रहेगा। अब भाई मैं 10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ उससे नौकरी नहीं लग रही, पूरे 100 क्वेश्चन आपको दिए हैं, कल किसी और दूसरे एग्जाम का पेपर सोल्व करवाएंगे, किसी दूसरे पेपर का। आप कनेक्ट रहे लगातार, बहुत बढ़िया लगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट थे सब कनेक्ट हैं, आप कनेक्ट रहे, हेमराज, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ये है। चलो ठीक है, अब फालतू का भाषण नहीं, थैंक यू, गुड नाइट।